हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू बैक मई यूट्यूब चैनल दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एके मूवी फेक्ट पर दोस्तों आप सब कैसे हैं उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस मूवी के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है गुड छड्डी तो दोस्तों ये फिल्म कौन सी है और आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलेगा इसकी पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं और साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के बारे में जी हाँ दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गुड छड्डी फिल्म को बनाने में कितना रुपया खर्च हुआ है इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म ने अभी तक कितनी कमाई कर ली है बॉक्स ऑफिस पर इसकी भी जानकारी इस इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं साथ साथ ही दोस्तों इस फिल्म की कहानी कैसी है और इस फिल्म को देखना चाहिए या फिर नहीं देखना चाहिए इसकी भी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देंगे तो दोस्तों अगर आप लोग संजय दत्त के फैन हो और गुड छड्डी फिल्म को यूरोप पर हिंदी में देखना चाहते हो तो आज का यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है तो चलिए दोस्तों बिना किसी देर के आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट

फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में हम बात करें तो दोस्तों फिल्म में अरुणा संजय दत्त उनके में तो इस फिल्म को, नौ दो को रिलीज किया गया है वही इस फिल्म की रोन टाइम के बारे में हम बात करें तो ये फिल्म एक मिनट की बनाई गई है वही दोस्तों बता दें इस फिल्म का उत्पादन जो है फिल्म की घोषणा फरवरी दो के माध्यम में की गई थी और मुख्य फोटोग्राफी दो 2022 को शुरू हुई जहां पे फिल्मांकन गुरुग्राम नई दिल्ली और फिर तो ने इस फिल्म को पाँच में से सिर्फ फाइव स्टार दिया है उसके अलावा दोस्तों ओडिटिंग प्लेटफॉर्म के तरफ से निराली कानबार ने इस फिल्म को फाइव में से टू स्टार दिया है इनके अलावा द टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से धवल राय ने भी फिल्म को फाइव में से फाइव स्टार दिया है लेकिन दोस्तों अगर आप लोग आप लोग इस फिल्म को देख चुके हो तो आप इस मूवी को कितना रिव्यू रेटिंग देना चाहते हो आप मुझे नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों आप लोग को बताया हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको सिर्फ मूवी रिव्यू मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट ही देखने को मिलता है इस वीडियो में हम गुड छठी फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं तो दोस्तों फिल्म की कहानी कैसी है क्या फिल्म को देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए ये ये सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हुए हैं तो इस वीडियो में आप लोग विस्तार से एंड तक ज़रूर बन रहिएगा क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम एक एक चीज़ के बारे में बताएंगे फिल्म को कहाँ पे शूट किया गया है कौन से स्टार कास्ट को तो कितना रुपया दिया गया इस फिल्म में काम करने के लिए इसकी भी जानकारी इस वीडियो में हम आपको डेफिनेटली देने वाले हैं अगर बात करें फिल्म की कहानी के बारे में तो दोस्तों फिल्म में दिखाया गया फिल्म दो प्रेम कहानियों के इर्द-गिर्द घूमती है एक युवा जोड़े के बीच और फिर दूसरी उनके संबंधित जो है विधवा माता-पिता जो कि पूर्व प्रेमी भी है और शादी के बंधन में बंधने का सपना देख रहे हैं हालांकि परिवार के रोधीवादी जो है महिला दोनों जोड़ों के अंतर जो है सामुदायिक और फिर संबंधों और फिर सौतेले भाई बहनों के पति पत्नी के रूप में होने की संभावना के खिलाफ एक सुखद अंत पाएंगे या नहीं ये बाकी कहानी में देखने को मिलेगा समीक्षक ने बताया है कि निर्देशक बिनाय के बिनाय के गांधी की फिल्म एक रोमांटिक ड्रामा प्रेम कहानियों और फिर पारिवारिक जो है गतिशीलताओं को जोड़ती है जो एक परिचित क्षेत्र को दर्शाती है ये फिल्म कहानी और चरित्र चीत से लेकर यहाँ पे संघर्ष और फिर जो है समाधान तक कथा अनुमानित रहती है वहीं दोस्तों बता दें चिराग पार्थ उनके अलावा समथान और फिर उसकी प्रेम उसकी प्रेमिका देविका खुशाली कुमार के साथ जो है संबंधित माता पिता और फिर कर्नल जो है बीर शर्मा संजय दत्त इस किरदार को प्ले किए हैं वहीं दोस्तों फिल्म के मुख्य संघर्ष के बारे में बात की जाए तो मुख्य संघर्ष अंतर यहां पे समुदाय रोमांस और फिर जो है अपरम्परागत पारिवारिक गतिशीलता और इसके अलावा जो सुविधाजनक जो है कथानक मोड़ के माध्यम से ही हल किए गए हैं जो दूर की यहाँ पे कौड़ी लगाया जाता है जब वीर यहाँ पे मेनका को अपनी होने वाली पत्नी के रूप में घर लेकर

जो कि दोस्तों फिल्म सामाजिक और फिर जो है मानदंडों से प्रेम और फिर जो है प्रेरित प्रेम जो है जैसा है क्योंकि यहाँ पे प्रगतिशील विचारों को तलाशने का भी यहाँ पे प्रयास किया गया है लेकिन दोस्तों दृष्टिकोण रोधी रोधियों पर निर्भर करता है जिससे दोस्तों प्रभाव कम हो जाता है इस फिल्म का वहीं तो दोस्तों आगे कहानी में विरणा के गांधी इसमें पहली बार जो है फीचर फिल्म निर्देशक के रूप में उम्मीद जगाए हैं लोगों में क्योंकि तो फिल्म अधिकांश भाग में एक समान गति से आगे बढ़ती है हालांकि उनके निर्देशकों ने अधिक जो है आकर्षक कहानी और फिर अधिक सघन अधिक सूक्ष्म और इसके अलावा पदकथा और स्क्रीन प्ले से लाभ मिल सकता था उनको और भी ज़्यादा अगर और थोड़ा सा मेहनत किया गया होता फिल्म की कहानी के ऊपर तो खुशाली कुमार और फिर पार्थिव समधाना का अभिनय ठीक ठाक है फिल्म में हालांकि दोनों के बीच एक स्वाभाविक केमिस्ट्री भी है रवीना टंडन और फिर संजय दत्त ने सराहनीय अभिनय किया है जबकि अरुणा ईरानी का एक प्यार करने वाले लेकिन यहाँ पे सख्त यहाँ पे आपको बता दें सख्त यहाँ पे मात्र सत्तात्मक महिला का चित्रण जो है यहाँ पे अतिश व्यक्तिपूर्ण लगता है हालांकि देखने में अच्छी है लेकिन यहाँ पे गुड छठी चड़, गुड छट्डी एक मनोरंजन फिल्म के रूप में कमजोर है जो कहानी पूर्वानुमानित मोर के साथ सामने आती है फिल्म की जो दर्शकों को मजबूत भावनात्मक संबंध बनाने से रोकती है और ये फिल्म शायद दर्शकों को कुछ नया या फिर जो है मार्मिक तलाशने मार्मिक जो है तलाशने के लिए प्रेरित भी करती है तो इस तरह का रिव्यूअर्स ने रिव्यू दिया है अगर आप लोग गुड गुड छठी फिल्म को देख चुके हैं पहले ही तो आप इस फिल्म को कितना रिव्यू रेटिंग देना चाहते हो आप अपना राय मुझे नीचे कॉमेंट करके बता सकते हो दोस्तों आप लोग को पता है जितने भी लोग मुझे कमेंट करके कोई भी चीज़ पूछते हैं तो मैं उनका जवाब डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में जाकर देता हूं तो आप लोग कमेंट करना मत भूलिएगा क्योंकि आप लोग को पता है मैं हर चीज़ आप लोग को कमेंट में बता सकता हूं जो भी आप लोग पूछते हैं उसका जवाब मैं सीधे कमेंट पर ही दे देता हूं तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं गुड़छट्टी फिल्म के बारे में जो कि एक अच्छी प्रेम कहानी वाली फिल्म है जिसमें रवीना टंडन और संजय दत्त ने अभिनय किया है तो दोस्तों ये फिल्म एक प्रेम कहानी के ऊपर बेस्ड है लेकिन फिल्म की कहानी में काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल होती है एक विधवा बाप जो दोबारा से शादी करना चाहते संजय दत्त और रवीना टंडन की प्रेम कहानी को इस फिल्म के अंदर दर्शाया गया है वाकई ये चीज़ पुरानी तो है लेकिन आपको देखने में ज़रूर मज़ा आएगा क्योंकि गुड़ गुड़छट्टी की कहानी कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है दोस्तों लंबे समय के बाद संजय दत्त और रवीना टंडन को दर्शक फिर से रोमांस करते देख सकेंगे इस स्क्रीन पे लेकिन इस बार रोमांस में थोड़ा सा विलेन कोई और नहीं बल्कि इनके बच्चे बनेंगे क्योंकि इनके बच्चों का भी आपस में रोमांस यहाँ परवान चल रहा होता है और ऐसे ही जो है उलझी हुई रोमांटिक कॉमेडी लेकर आ गए हैं विनायके गांधी जिनके निर्देशन में बनी फिल्म जो यहाँ पे गुड चड्डी नौ अगस्त को जियो सिनेमा पर रिलीज हो चुकी है वो दोस्तों बता दें यहाँ पे बीर शर्मा संजय दत्त के बेटे चिराग शर्मा पार्थ यानी कि समथाना का प्यार मेन का अरवीना टंडन की बेटी देविका यानी कि खुशहाली कुमार के साथ जो है परवान चल रहा होता है लेकिन इसी ही दौरान संजय दत्त की मुलाकात रवीना टंडन से होती है और एक अर्से पहले जो है दबे उनके अरमान फिर से झाकना स्टार्ट हो जाता है और उनकी प्रेम कथा शादी तक पहुंचने लग जाती है अब दोस्तों क्या है? इनके बच्चे इनकी शादी में रोडा बनेंगे या फिर दोनों दोनों अपने बच्चों की शादी में जो है रोड बनेंगे इन सब सवालों के जवाब जो है आपको ये फिल्म देखकर ही मिलेगी मालूम होगा जो कि फिल्म में दो जो है पीढ़ियों का प्यार को मज़ेदार अंदाज में दिखाया गया है और इस रोमांटिक कहानी में कॉमेडी का भी टर्क आपको देखने को मिल जाता है संजय दत्त ने हमेशा की तरह अच्छी एक्टिंग की है उन्होंने अपने किरदार के साथ पूरा न्याय किया है उनकी फिल्म के अंदर जो है शख्सियत का रुआब फिल्म में पूरी तरह से झलकता है जो कि रवीना टंडन फिल्म में एक एक यहाँ पे फ्रेशनेस लेकर आती है और उन पर जो है उम्र का कोई भी प्रभाव नहीं झलकता उन्होंने अपना जो है चुलबुलापन बरकरार रखा है और पार्थ यानी कि समथान ने भी अच्छा अभिनय किया है और अपना शो जो है फीसदी इस फिल्म में दी है इससे पहले भी दोस्तों वह कई जो है टी शो कर चुकी हैं और अब उनकी एक्टिंग में गंभीरता साफ दिखी जा सकती है फिल्म में जो कि दोस्तों यहाँ पे खुशहाली कुमार उनके अलावा खुशहाली कुमार जो है देखने में सुंदर लगती है और उन्होंने अच्छा अभिनय किया है जो कि फ़िल्म में दोस्तों अरुणा ईरानी ने भी काल्याणी देवी का शानदार किरदार इस फिल्म में प्ले किया है वहीं दोस्तों डायरेक्शन के बारे में हम बात कर ले तो विनायक गांधी का निर्देशन काफ़ी सदा हुआ है फिल्म में उन्होंने कहीं भी और कहानी को निराश नहीं पढ़ने दिया है और दर्शक फिल्म देखकर कर खुश मिजाजी का एहसास भी कर सकते हैं वहीं दोस्तों उन्होंने इस फिल्म के अंदर जो है एक्टर्स का चयन बड़ी जो है सावधानी से की है और अपने इस प्रयास में वह पूरी तरह से सफल हुए हैं फिल्म के तकनीकी पक्ष में भी दोस्तों फोटोग्राफी स्क्रीन प्ले और फिर एडिटिंग आदि उत्तम दर्जे की रखी गई है जो कि सन में कहा जा सकता है कि फिल्म में वह सब कुछ एलिमेटेड के तरह तैयार किया गया है जो कि इसे एक पारिवारिक रोमांटिक कॉमेडी बनाता है वहीं दोस्तों फिल्म में संगीत यानी कि तनिक्ष बागची का रखा गया है क्योंकि फिल्म के अंदर जो सुखवीरन सुखवीर ने सुखवीर ने दिया है और यहाँ पे गीत भी जो है तनिक्ष बागची और फिर जो है सुखवीर के ही है फिल्म का संगीत मधुर है और इसके गाने जो है चार्टास्टर पर धूम मचा रहे हैं फिल्म में दो गाने हैं और दोनों ही पंजाबी भाषा में ही बनाया गया है दिल वजदा और फिर पंजाबी मुंडे पौन यानी कि भंगड़ा दोनों ही गाने जो है मज़ेदार है आपको देखने में ये गाने अच्छे जरूर लग सकते हैं तो दोस्तों गुड़ छड्डी एक अच्छी प्रेम कहानी वाली फिल्म है जो कि आपको एक बार ज़रूर देखना चाहिए आइए दोस्तों बात करते हैं फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में कि इस फिल्म में मुख्य स्टार कास्ट को कितने रुपए दिए गए हैं फिल्म में अभिनय करने के लिए ताकि दोस्तों आप लोग को भी पता चल जाए कि गुड़ छड्डी फिल्म की कहानी में क्या परफॉर्मेंस है क्या दम है संजय दत्त इसमें नज़र आए हैं रबीना टंडन उनके अलावा दोस्तों पार्थ समथान उनके अलावा खुशहाली कुमार फिल्म में अभिनय किए हैं तो आइए दोस्तों हम बात करते हैं रबीना टंडन के बारे में सबसे पहले जिन्होंने इस फिल्म में एक बार फिर से अभिनय करके अपनी जवानी अपनी हुस्न का जलवा दिखाने की कोशिश की है इनके ऊपर उम्र का कोई भी असर नहीं पड़ा है ऐसा दर्शक का मानना है तो दोस्तों अगर आपको भी लगता है कि हाँ रवीना टंडन आज भी उन्नीस सौ नब्बे के दशक जैसी ही दिखती है फिल्मों में अगर आप इस बात से सहमत हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों सबसे पहले टंडन ने पत्थर के फूल फिल्म उन्नीस सौ इक्यानवे में इस फिल्म में काम करके इन्होंने डेब्यू किया था जो कि दोस्तों हिट रही थी और उन्हें अपने प्रदर्शन के लिए लक्ष्य न्यू फेस ऑफ द ईयर का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला था इस फिल्म के परिणाम स्वरूप उनके फिल्मी करियर में एक बड़ी सफलता मिली और मुख्य रूप से उन्हें जो है स्टार के, के माध्यम सफलता साबित हुई वहीं सन उन्नीस में टोंडोन की सात फिल्में रिलीज हुई जो छात्रिया और दिव्या शक्ति जैसे जो है नाटक माध्यम सफलताएं फिल्म थी उस वर्ष उन्होंने अपनी तेलुगु सिनेमा की पहली फिल्म जो है बंगारू बुल्लुडू में भी अभिनय किया था जिसे बॉक्स ऑफिस पर हिट के रूप में दर्जा मिला था सन उन्नीस में रवीना टंडन को 10 फिल्मों में काम करने का सफलता मिली जिनमें जिनमें से दोस्तों अधिकांश सफल रही और चार फिल्में साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से शामिल थी जैसे दोस्तों मोहरा दिलवाले उसके अलावा आतिश और फिर जो है लाडला इसके अलावा दोस्तों मोहरा फिल्म के गाने जो है तो चीज बड़ी है मस्त मस्त में उनके प्रदर्शन के बाद उन्हें मस्त मस्त गर्ल नाम भी मिल गया था जो कि दोस्तों लाडला ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए फिल्म पुरस्कार के लिए नामांकित किया वहीं उस वर्ष उनकी अन्य रिलीज में सनी देओल सैफ अली खान के साथ थ्रिलर मूवी इम्तिहान मूवी थी जो कि और एक कल्ट कॉमेडी अंदाज अपना अपना में इन्होंने फिर से सलमान खान और फिर आमिर खान के साथ काम की थी जो कि दोस्तों रिलीज होने के बाद बॉक्स ऑफिस पर एक सेमी हिट रही थी लेकिन दोस्तों एक बड़ी व्यावसायिक सफलता बाद में साबित हुई वही वही दोस्तों वर्ष की उनकी एक और रिलीज मूवी जो है जमाने से क्या डरना यहां पे टिकट जो है खिड़की पर जो है लाभदायक रही और एक माध्यम सफलता के रूप में यह फिल्म उभरी थी सन उन्नीस में रवीना टंडन ने शाहरुख खान के साथ पहली बार जो है जमाना दीवाना में अभिनय किया दोस्तों फिल्म अच्छा प्रदर्शन करने में सफल रही लेकिन खिलाड़ियों का खिलाड़ी उन्नीस और फिर जो है जिद्दी उन्नीस सनी देओल के साथ जैसी हिट फिल्मों के साथ उनका करियर वापस पटरी पर आ गया था जो कि दोस्तों साल की ब्लॉकबस्टर हिट बन गई और सलाकी फिल्म 1998 में रिलीज हुई थी जो कि उन्हें जो है गुलामे मुस्तफा में उनके प्रदर्शन के लिए भी परसन साइड दी गई सन 1998 में रवीना टंडन ने दो समीक्षकों और व्यवसायिक रूप से सफल प्लस जो है दुल्हे राजा और बड़े मियां छोटे मियां में इन्होंने काम किया था बड़े मिया छोटे मिया में दिखाई देकर एक अग्रणी महिला के रूप में अपनी उपस्थिति को मजबूत किया और दोनों ही साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म में से साबित हुई उस वर्ष की उनकी अंतिम रिलीज मूवी बड़े मियाँ छोटे मियाँ जिसमें दोस्तों अमिताभ बच्चन और गोविंदा सह कलाकार थे इनके साथ साल की दूसरी सबसे बड़ी हिट साबित हुई रवीना टंडन को कुछ कुछ होता है में दूसरी लीड की भूमिका पेशकश की गई थी जो कि उन्नीस की सबसे बड़ी हिट रही लेकिन उन उन्होंने इसे ठुकरा दिया उस वर्ष दोस्तों की अन्य रिलीज मूवी घर वाली बाहर वाली थी जो कि दोस्तों विनाशक द यानी कि डिस्ट्रॉयल और फिर जो है परदेशी बाबू इसके अलावा आंटी नंबर वन फिल्म थी जिनमें से दोस्तों कुछ माध्यम आलोचनात्मक और कुछ व्यवसायिक सफलताएं फिल्म रही थी सन 1999 में रवीना टंडन ने उपेंद्र के साथ उनकी सौ शीर्षक कॉर्नॉड मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म में काम किया दोस्तों उपेंद्र में अभिनय किया जो कि बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी जो कि दोस्तों उन्होंने अनारी नंबर वन में भी अभिनय किया जो एक आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता फिल्म थी वहीं दोस्तों सोल में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें आलोचकों से भी प्रशंसाएं देखने को मिली थी 2000 के दशक में रवीना टंडन ने अभिनय किया था यथार्थवादी जो है तरीका सीखने के लिए आर्ट हाउस प्रोडक्शंस में कदम रखा और कई मुख्य धारा की फिल्मों के प्रस्ताव को ठुकरा दिए रवीना टंडन ने बुलंदी 2000 के दशक में और अक्ष मूवी 2001 जैसी फिल्मों में काम किया जिसके लिए उन्हें आलोचकों की प्रशंसा मिली उन्होंने राकेश ओम प्रकाश मेहरा की अक्ष में अपने अभिनय के लिए फिल्म फेयर स्पेशल जो है परफॉर्मेंस के लिए अवार्ड के साथ साथ जो है कई पुरस्कार जीते वहीं दोस्तों इंडस्ट्री में उनके कई साल तक कई साल जो है तब यानी कि रंग लाए जब उन्होंने जो है कल्पना कल्पना लाजमी की फिल्म जो है दमन ए दमन ए विक्टिम ऑफ द मैरिटल और फिर जो है वायलेंस 2001 में अपने अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का प्रतिष्ठित राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार जीता जिनमें दोस्तों उन्होंने एक अपंग पति की और एक ही जो है पत्नी की भूमिका इस फिल्म के अंदर निभाई थी उन्होंने फिल्में अपने प्रदर्शन से आलोचकों और दर्शकों को चौंका दिया और अपने काम के लिए सराहना प्राप्त की आलोचक तरन आदर्श ने कहा था रवीना टंडन एक ही पीड़ित पत्नी की भूमिका को विश्वास ने प्रदान करवाती है जो कि दोस्तों सम्मान के साथ आगे बढ़ती है वह अपने भावों के माध्यम से जो करुणा व्यक्त करती है उससे आपको एहसास होता है कि वह एक बेहतरीन कलाकार है तब से उन्होंने कई समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्मों में अभिनय किया है जैसे कि दो 2003 वाली और दोबारा 2004 दो वाली लेकिन बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा सफल नहीं मिली ज़्यादा सफलता इस फिल्म को नहीं मिली पूर्व में राजनीति की दुनिया में धकेल दी गई जो कि माध्यम वर्गीय महिला के रूप में उनकी भूमिका की प्रशंसा की गई थी आलोचक तरन आदर्श ने लिखा है रवीना टंडन ने शानदार प्रदर्शन किया है फिल्म में और अभिनेत्री एक कलाकार के रूप में बड़ी जो है छलांग लगाती है अपने किरदार को सही स्पर्श देती है और ये एक ऐसा प्रदर्शन है जिस पर दोस्तों ध्यान दिया जाना तय होना चाहिए था इसी के साथ दोस्तों दोबारा में एक यहाँ पे सीजो फ्रेनिक के रूप में उनकी भूमिका की भी प्रशंसा की गई एक आलोचक ने कहा रवीना टंडन अपने किरदार के साथ जो है तालमेल बिठाती है अपने हिस्से को पूरे जो है उत्साह के साथ निभाती भी है जो कि सताईस यानी कि रवीना टंडन ने यहाँ पे अशहारा वन टेलीविजन श्रृंखला शाही शाही बीबी गुलाम में भी काम किया था उस वक्त वही दोस्तों साल 2006 में उनकी एकमात्र रिलीज मूवी थी जिसका नाम था तो सैंडविच इस फिल्म का नाम सैंडविच रखा गया था जिसे खराब समीक्षा और स्वागत मिला कई फिल्में करने के बाद उन्होंने फिल्मों में सक्रिय रूप से जो है दिखने से ब्रेक ले लिया साल 2014 में उन्होंने महेश भट्ट और फिर जो है नायक के साथ जो है सी एन बी सी टी वी एटीन पर सी ई एस गोड टैलेंट के सीजन वन को जज किया 2015 में उन्होंने लंबे समय के दोस्त अरुणा अरुण अरून, अरुण अनुराग कैश्यप की महान कीर्ति जो है बम्बे बम्बे से बॉलीवुड में वापसी की जो कि एक कामुक यहाँ पे जयज गायिका की भूमिका निभाते हुए उनके संक्षिप्त प्रदर्शन के आलोचकों द्वारा बहुत ज़्यादा प्रशंसा की गई थी 2017 में उन्हें थ्रिलर फिल्म मात्र में देखा गया था जिसमें दोस्तों उन्होंने एक मां की भूमिका निभाई जो कि अपनी बेटी के बलात्कार का बदला लेना चाहती है और उनके अभिनय की सराहना की गई उस वक्त और उन्हें अपने प्रदर्शन के लिए आलोचकों की प्रशंसा मिली थी लेकिन वर्ष की उनकी अगली रिलीज मूवी जो है ओनिर की शार्प फिल्म थी जिसमें उन्होंने एक सोशल लाइट एक सोशल एक सोशल लाइट की भूमिका फिल्म में निभाई थी इसी के साथ दोस्तों दो में रवीना टंडन ने नेटफ्लिक्स क्राइम थ्रिलर जो है वेब सीरीज यानी कि अरुणायक के साथ अपना ओडिटी डेब्यू किया और अपने प्रदर्शन के लिए सकारात्मक समीक्षा इन्होंने प्राप्त की थी उस वक्त 2022 में भी रवीना टंडन ने के जी अध्याय टू में एक महत्वपूर्ण भूमिका में दिखाई दी जो कि अब तक की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है रवीना टंडन संजय दत्त के साथ विनायक गांधी की रोमांटिक कॉमेडी जो है फिल्म गुड छंडी में दिखाई दी है जो कि दोस्तों इस फिल्म को दो में रिलीज किया गया है जियो पर रवीना टंडन 2003 से भारतीय बाल फिल्म सोसाइटी की अध्यक्ष थी लेकिन 2004 से अभिनेत्री को शिकायतें मिलने लगी कि वह जो संगठन की बैठकों में शामिल नहीं होती है और वह सोसाइटी द्वारा जो स्थापित जो गतिविधियों में शामिल नहीं हो पाती है सितंबर 2005 में रवीना टंडन ने जो है व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया नवंबर 2005 में रवीना टंडन ने शादी जो है शादी डॉट कॉम और फिर जो है यानी कि शादी टाइम्स डॉट कॉम वेबसाइट पर जो है मुकदमा दायर किया जिसमें दावा किया गया था कि वह जो है साइट को बढ़ावा देने के लिए उनकी अंधेटी उनकी अधिकृत जो है तस्वीरों का इस्तेमाल कर रहे थे और उन्होंने सत्यनेट यानी कि सत्यनयन के सल्यून्स के मालिक पर भी मुकदमा दायर किया था क्योंकि उन्होंने दावा किया था कि रवीना टंडन और उनके पति की मुलाकात वेबसाइट के जरिए हुई थी उन्होंने बताया था ये झूठी बातें रही थी और ऐसी बातें फैलाई जा रही थी नवंबर 2002 में रवीना टंडन ने पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ यानी कि एनी का समर्थन करने के लिए गाना गाया था और उन्होंने जॉन अब्राहम शिल्पा शेट्टी और अमीषा पटेल जैसे जो है लोगों के साथ कई विज्ञापन कई विज्ञापन अभियानों में काम किया है और गायों की खाल के लिए वध किए जाने के मुद्दे पर उन्होंने कहा था कि भ्रष्ट खाल और फिर जो है मांस व्यापारियों के हाथों उनका दुरुपयोग जो है रोका जाना चाहिए इस तरह से 2023 में रवीना टंडन जो है मनोरंजन जो उद्योग से पहली जो व्यक्तित्व बनी जिन्हें दोस्तों जी ट्वेंटी नई दिल्ली शिखर यानी कि इसके अलावा जो है सम्मेलन में महिला जो है शक्तिशाली शक्तिकरण जो है स्वाभाविक विंग दो में एक प्रतिनिधि के रूप में इनको चुनाया गया था रवीना टंडन ने उन्नीस में सिंगल मदर के तौर पर पूजा और छाया नामक दो लड़कियों को गोद लिया था जब वह जो है क्रोमस 11 और 8 साल की थी तभी इन्होंने गोद ले लिया था नब्बे के दशक के आखिर में रवीना टंडन अभिनेता अक्षय कुमार को डेट कर रही थी और उन्होंने उन्हें अपना बॉयफ्रेंड घोषित कर दिया था हालांकि उनकी सगाई हो चुकी थी लेकिन बाद में अलग हो गए रवीना टंडन ने अपनी फिल्म इस फिल्म जो यानी कि सितंबर दो के निर्माण के दौरान फिल्म जो है बीतर के अनिल थडानी को डेट करना शुरू किया और नवम्बर दो में उनकी सगाई की घोषणा की गई और उन्होंने बाईस फरवरी दो को जग मंदिर पैलेस पर जाकर शादी कर ली तो दोस्तों यह है इनकी फिल्मी करियर लाइफस्टाइल जो कि मैंने इसी वीडियो में एक ही साथ इस मूवीज़ को रिव्यू करते हुए गुड छठी फिल्म को रिव्यू करते हुए मैंने आपको बता दिया तो दोस्तों अगर आप लोग को आज का रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा तो दोस्तों मैं मिलता हूं आप लोगों से एक और नई वीडियो में तब तक के लिए टिल एंड सी सून हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू बैक माई यूट्यूब चैनल दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ए के मूवी फेक्ट पर दोस्तों आप सब कैसे हैं उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस मूवी के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है गुड छडी तो दोस्तों ये फिल्म कौन सी है और आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलेगा इसकी पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं और साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के बारे में जी हाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गुड छड्डी फिल्म को बनाने में कितना रुपया हुआ इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म ने अभी तक कितनी कमाई कर ली है बॉक्स ऑफिस पर इसकी भी जानकारी इस इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं साथ साथ ही दोस्तों इस फिल्म की कहानी कैसी है और इस फिल्म को देखना चाहिए या फिर नहीं देखना चाहिए इसकी भी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देंगे तो दोस्तों अगर आप लोग संजय दत्त के फैन हो और गुड छट्टी फिल्म को यूरोप पर हिंदी में देखना चाहते हो तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी किए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट

फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में हम बात करें तो दोस्तों फिल्म में अरुण उनके अलावा खुशाली कुमार फिल्म में करते दी है वही दोस्तों बात फिल्म के रिलीज के बारे में तो इस फिल्म को, नौ दो को रिलीज किया गया है वही इस फिल्म की रोन टाइम के बारे में हम बात करें तो ये फिल्म एक मिनट की बनाई गई है वही दोस्तों बता दें इस फिल्म का उत्पादन जो है फिल्म की घोषणा फरवरी दो के माध्यम में की गई थी और मुख्य फोटोग्राफी दो 2022 को शुरू हुई जहां पे फिल्मांकन गुरु जयपुर में, फिल्म में समाप्त हो चुका के तरफ से वर्मा ने इस फिल्म को पाँच में से सिर्फ फाइव स्टार दिया है उसके अलावा दोस्तों प्लेटफॉर्म के तरफ से निराली कान ने फिल्म को फाइव में से टू स्टार दिया है टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से धवल राय ने भी फिल्म को फाइव में से टू पॉइंट फाइव स्टार दिया है लेकिन दोस्तों अगर आप लोग आप लोग इस फिल्म को देख चुके हो तो आप इस मूवी को कितना रिव्यू रेटिंग देना चाहते हो आप मुझे नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों आप लोग को बताया है, हमारे YouTube चैनल पे आपको सिर्फ मूवी रिव्यू मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट ही देखने को मिलता है इस वीडियो में हम गुड छठी फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं तो दोस्तों फिल्म की कहानी कैसी है क्या फिल्म को देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए ये ये सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हुए हैं तो इस वीडियो में आप लोग विस्तार से एंड तक ज़रूर बने रहिएगा क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम एक एक चीज़ के बारे में बताएंगे फिल्म को कहाँ पर शूट किया गया है कौन से स्टार स्टारकास्ट को कितना रुपया दिया गया इस फिल्म में काम करने के लिए इसकी भी जानकारी इस वीडियो में हम आपको डेफिनेटली देने वाले हैं अगर बात करें फिल्म की कहानी के बारे में तो दोस्तों फिल्म में दिखाया गया फिल्म दो प्रेम कहानियों के इर्द-गिर्द घूमती है एक युवा जोड़े के बीच और फिर दूसरी उनके संबंधित जो है विधवा माता-पिता जो कि पूर्व प्रेमी भी है और शादी के बंधन में बंधने का सपना देख रहे हैं हालांकि परिवार के रोधीवादी जो है महिला दोनों जोड़ों के अंतर जो है सामुदायिक और फिर संबंधों और फिर सौतेले भाई बहनों के पति पत्नी के रूप में होने की संभावना के खिलाफ क्या जोड़े एक सुखद अंत पाएंगे या नहीं ये बाकी कहानी में देखने को मिलेगा समीक्षक ने बताया है कि निर्देशक बिनाय के बिनाय के गांधी की फिल्म एक रोमांटिक ड्रामा प्रेम कहानियों और फिर पारिवारिक जो है गतिशीलताओं को जोड़ती है जो एक परिचित क्षेत्र को दर्शाती है ये फिल्म कहानी और चरित्र चीत से लेकर यहाँ पे संघर्ष और फिर जो है समाधान तक कथा अनुमानित रहती है वहीं दोस्तों बता दें चिराग पार्थ उनके अलावा समथान और फिर उसकी प्रेम उसकी प्रेमिका देविका खुशाली कुमार के साथ जो है संबंधित माता पिता और फिर कर्नल जो है बीर शर्मा संजय दत्त इस किरदार को प्ले किए हैं वहीं दोस्तों फिल्म के मुख्य संघर्ष के बारे में बात की जाए तो मुख्य संघर्ष अंतर यहाँ पे समुदाय रोमांस और फिर जो है अपरम्परागत पारिवारिक गतिशीलता और इसके अलावा जो सुविधाजनक जो है कथानक मोड़ के माध्यम से ही हल किए गए हैं जो दूर की यहाँ पे कौड़ी लगाया जाता है जब भी यहाँ पे मेनका को अपनी होने वाली पत्नी के रूप में घर लेकर आता है तो उससे परेशान होकर उसकी रोधिवादी माँ यहाँ पे काल्याणी देवी यानी कि अरुणा ईरानी एक रिश्तेदार के साथ रहने के लिए घर छोड़ देती है है दोस्तों वृद्ध महिला के साथ उसके जो है बेटे द्वारा दुर्व्यवहार किए जाने से दुर्व्यवहार किए जाने या फिर जो वरिष्ठ यहाँ पे नागरिकों के एक समूह द्वारा जो है पार्थ को ये बताने के उदाहरण किए जो है यहाँ पे बुढ़ापे में कितना जो अकेलापन होता है ये कहानी में सहज रूप से शामिल नहीं किया गया है जो कि दोस्तों फिल्म सामाजिक और फिर जो है मानदंडों से प्रेम और फिर जो है प्रेरित प्रेम जो है जैसा है क्योंकि यहाँ पे प्रगतिशील विचारों को तलाशने का भी यहाँ पे प्रयास किया गया है लेकिन दोस्तों दृष्टिकोण रोधी रोधियों रूधी पर निर्भर करता है जिससे दोस्तों प्रभाव कम हो जाता है इस फिल्म का वहीं दोस्तों आगे कहानी में विरनाय के गांधी इसमें पहली बार जो है फीचर फिल्म निर्देशक के रूप में उम्मीद जगाए हैं लोगों में तो फिल्म अधिकांश भाग में एक समान गति से आगे बढ़ती है हालांकि उनके निर्देशकों ने अधिक जो है आकर्षक कहानी और फिर अधिक सघन अधिक सूक्ष्म और इसके अलावा पदकथा और स्क्रीन प्ले से लाभ मिल सकता था उनको और भी ज़्यादा अगर और थोड़ा सा मेहनत किया गया होता फिल्म की कहानी के ऊपर तो खुशाली कुमार और फिर पार्थिव समधाना का अभिनय ठीक ठाक है फिल्म में हालांकि दोनों के बीच एक स्वाभाविक केमिस्ट्री भी है रवीना टंडन और फिर संजय दत्त ने सराहनीय अभिनय किया है जबकि अरुणा ईरानी का एक प्यार करने वाले लेकिन यहाँ पे सख्त यहाँ पे आपको बता दें सख्त यहाँ पे मात्र सत्तात्मक महिला का चित्रण जो है यहाँ पे अतिश व्यक्तिपूर्ण लगता है हालांकि देखने में अच्छी है लेकिन यहाँ पे गुड छठी चड़, गुड ए एक मनोरंजन फिल्म के रूप में कमजोर है जो कहानी पूर्वानुमानित मोर के साथ सामने आती है फिल्म की जो दर्शकों को मजबूत भावनात्मक संबंध बनाने से रोकती है और ये फिल्म शायद दर्शकों को कुछ नया या फिर जो है मार्मिक तलाशने मार्मिक जो है तलाशने के लिए प्रेरित भी करती है तो इस तरह का रिव्यूअर्स ने रिव्यू दिया है अगर आप लोग गुड गुड छठी फिल्म को देख चुके हैं पहले ही तो आप इस फिल्म को कितना रिव्यू रेटिंग देना चाहते हो आप अपना राय मुझे नीचे कॉमेंट करके बता सकते हो दोस्तों आप लोग को पता है जितने भी लोग मुझे कमेंट करके कोई भी चीज़ पूछते हैं तो मैं उनका जवाब डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में जाकर देता हूं तो आप लोग कमेंट करना मत भूलिएगा क्योंकि आप लोग को पता है मैं हर चीज़ आप लोग को कमेंट में बता सकता हूं जो भी आप लोग पूछते हैं उसका जवाब मैं सीधे कमेंट पर ही दे देता हूं तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं गुड़ छट्टी फिल्म के बारे में जो कि एक अच्छी प्रेम कहानी वाली फिल्म है जिसमें रवीना टंडन और संजय दत्त ने अभिनय किया है तो दोस्तों ये फिल्म एक प्रेम कहानी के ऊपर बेस्ड है लेकिन फिल्म की कहानी में काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल होती है एक विधवा मां बाप जो दोबारा से शादी करना चाहते संजय दत्त और रवीना टंडन की प्रेम कहानी को इस फिल्म के अंदर दर्शाया गया है वाकई ये चीज़ पुरानी तो है लेकिन आपको देखने में ज़रूर मज़ा आएगा क्योंकि गुड़ गुड़छट्टी की कहानी कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है दोस्तों लंबे समय के बाद संजय दत्त और रवीना टंडन को दर्शक फिर से रोमांस करते देख सकेंगे इस स्क्रीन पे लेकिन इस बार रोमांस में थोड़ा सा विलेन कोई और नहीं बल्कि इनके बच्चे बनेंगे क्योंकि इनके बच्चों का भी आपस में रोमांस यहाँ परवान चल रहा होता है और ऐसे ही जो है उलझी हुई रोमांटिक कॉमेडी लेकर आ गए हैं के गांधी जिनके निर्देशन में बनी फिल्म जो यहाँ पे गुड चड्डी नौ अगस्त को जियो सिनेमा पर रिलीज हो चुकी है वो दोस्तों बता दें यहाँ पे बीर शर्मा संजय दत्त के बेटे चिराग शर्मा पार्थ यानी कि समथाना का प्यार मेनका अरविना टंडन की बेटी देविका यानी कि खुशहाली कुमार के साथ जो है परवान चल रहा होता है लेकिन इसी ही दौरान संजय दत्त की मुलाकात रवीना टंडन से होती है और एक अर्से पहले जो है दबे उनके अरमान फिर से जागना स्टार्ट हो जाता है और उनकी प्रेम कथा शादी तक पहुंचने लग जाती है अब दोस्तों क्या इनके बच्चे इनकी शादी में रोडा बनेंगे या फिर दोनों दोनों अपने बच्चों की शादी में जो है रोड बनेंगे इन सब सवालों के जवाब जो है आपको ये फिल्म देख ही मिलेगी मालूम होगा जो कि फिल्म में दो जो है पीढ़ियों का प्यार को मज़ेदार अंदाज में दिखाया गया है और इस रोमांटिक कहानी में कॉमेडी का भी टर्क आपको देखने को मिल जाता है संजय दत्त ने हमेशा की तरह अच्छी एक्टिंग की है उन्होंने अपने किरदार के साथ पूरा न्याय किया है उनकी फिल्म के अंदर जो है शख्सियत का रुआब फिल्म में पूरी तरह से झलकता है जो कि रवीना टंडन फिल्म में एक एक यहाँ पे फ्रेशनेस लेकर आती है और उन पर जो है उम्र का कोई भी प्रभाव नहीं झलकता उन्होंने अपना जो है चुलबुलापन बरकरार रखा है और पार्थ यानी कि समथान ने भी अच्छा अभिनय किया है और अपना शो जो है फीसदी इस फिल्म में दी है इससे पहले भी दोस्तों वह कई जो है टी कर चुकी हैं और अब उनकी एक्टिंग में गंभीरता साफ दिखी जा सकती है फिल्म में जो कि दोस्तों यहाँ पे खुशहाली कुमार उनके अलावा खुशहाली कुमार जो है देखने में सुंदर लगती है और उन्होंने अच्छा अभिनय किया है जो कि फ़िल्म में दोस्तों अरुणा ईरानी ने भी कल्याणी देवी का शानदार किरदार इस फिल्म में प्ले किया है वहीं दोस्तों डायरेक्शन के बारे में हम बात कर ले तो विनायके गांधी का निर्देशन काफ़ी सदा हुआ है फिल्म में उन्होंने कहीं भी और कहानी को निराश नहीं पढ़ने दिया है और दर्शक फिल्म देखकर खुश मिजाजी का एहसास भी कर सकते हैं वहीं दोस्तों उन्होंने इस फिल्म के अंदर जो है एक्टर्स का चयन बड़ी जो है सावधानी से की है और अपने इस प्रयास में वह पूरी तरह से सफल हुए हैं फिल्म के तकनीकी पक्ष में भी दोस्तों फोटोग्राफी स्क्रीन प्ले और फिर एडिटिंग आदि उत्तम दर्जे की रखी गई है जो कि छेप में कहा जा सकता है कि फिल्म में वह सब कुछ एलिमेटेड के तरह तैयार किया गया है जो कि इसे एक पारिवारिक रोमांटिक कॉमेडी बनाता है वहीं दोस्तों फिल्म में संगीत यानी कि तनिक्ष बागची का रखा गया है क्योंकि फिल्म के अंदर जो है सुखवीर ने सुखवीर ने दिया है और यहाँ पे गीत भी जो है तनिक्ष बागची और फिर जो है सुखवीर के ही है फिल्म का संगीत मधुर है और इसके गाने जो है चार्ट बास्टर पर धूम मचा रहे हैं फिल्म में दो गाने हैं और दोनों ही पंजाबी भाषा में ही बनाया गया है दिल वजदा और फिर पंजाबी मुंडे पौन यानी कि भंगडा दोनों ही गाने जो है मज़ेदार है आपको देखने में ये गाने अच्छे ज़रूर लग सकते हैं तो दोस्तों गुड़ छड्डी एक अच्छी प्रेम कहानी वाली फिल्म है जो कि आपको एक बार जरूर देखना चाहिए आइए दोस्तों अब बात करते हैं फ़िल्म नज़र आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में कि इस फिल्म में मुख्य स्टार कास्ट को कितने रुपए दिए गए हैं फिल्म में अभिनय करने के लिए ताकि दोस्तों आप लोग को भी पता चल जाए कि गुड़ छड्डी फिल्म की कहानी में क्या परफॉर्मेंस है क्या दम है संजय दत्त इसमें नज़र आए हैं रबीना टंडन उनके अलावा दोस्तों पार्थ समथान उनके अलावा खुशहाली कुमार फिल्म में अभिनय किए हैं तो आइए दोस्तों हम बात करते हैं रबीना टंडन के बारे में सबसे पहले जिन्होंने इस फिल्म में एक बार फिर से अभिनय करके अपनी जवानी अपनी हुस्न का जलवा दिखाने की कोशिश की है इनके ऊपर उम्र का कोई भी असर नहीं पड़ा है ऐसा दर्शक का मानना है तो दोस्तों अगर आपको भी लगता है कि हाँ रवीना टंडन आज भी उन्नीस सौ नब्बे के दशक जैसी ही दिखती है फिल्मों में अगर आप इस बात से सहमत हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों सबसे पहले टंडन ने पत्थर के फूल फिल्म उन्नीस सौ इक्यानवे में इस फिल्म में काम करके इन्होंने डेब्यू किया था जो कि दोस्तों हिट रही थी और उन्हें अपने प्रदर्शन के लिए लक्ष्य न्यू फेस ऑफ द ईयर का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला था इस फिल्म के परिणाम स्वरूप उनके फिल्मी करियर में एक बड़ी सफलता मिली और मुख्य रूप से उन्हें जो है रातों रात स्टार के रूप में स्थापित किया गया था वहीं सन उन्नीस साथ जीना मरना तेरे संग में अभिनय किया था और ये फिल्म साल की उनकी एकमात्र रिलीज फिल्म थी और माध्यम सफलता साबित हुई वहीं सन उन्नीस में टोंडोन की सात फिल्में रिलीज हुई जो कि छात्रिया और दिव्या शक्ति जैसे जो है नाटक माध्यम सफलताएं फिल्में थी उस वर्ष उन्होंने अपनी तेलुगु की पहली फिल्म जो है बंगारू बुल्लुडू में भी अभिनय किया था जिसे बॉक्स ऑफिस पर हिट के रूप में दर्जा मिला था सन उन्नीस सौ चौरानवे में रवीना टंडन को दस फिल्मों में काम करने का सफलता मिली जिनमें जिनमें से दोस्तों अधिकांश सफल रही और चार फिल्में साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से शामिल थी जैसे दोस्तों मोहरा दिलवाले उसके अलावा आतिश और फिर जो है लाडला इसके अलावा दोस्तों मोहरा फिल्म के गाने जो है तू चीज बड़ी है मस्त मस्त में उनके प्रदर्शन के बाद उन्हें मस्त मस्त गर्ल नाम भी मिल गया था जो कि दोस्तों लाडला ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया वहीं वर्ष उनकी अन्य रिलीज में सनी देओल सैफ अली खान के साथ थ्रिलर मूवी इम्तिहान मूवी थी जो कि और एक कल्ट कॉमेडी अंदाज अपना अपना में इन्होंने फिर से सलमान खान और फिर आमिर खान के साथ काम की थी जो कि दोस्तों रिलीज होने के बाद बॉक्स ऑफिस पर एक सेमी हिट रही थी लेकिन दोस्तों एक बड़ी व्यावसायिक सफलता बाद में साबित हुई वही वही दोस्तों वर्ष की उनकी एक और रिलीज मूवी जो है खिड़की पर शाहरुख के साथ पहली बार जो है जमाना दीवाना में अभिनय किया दोस्तों फिल्म अच्छा प्रदर्शन करने में सफल रही लेकिन खिलाड़ियों का खिलाड़ी उन्नीस और फिर जो है जिद्दी उन्नीस सनी देओल के साथ जैसी हिट फिल्मों के साथ उनका करियर वापस पटरी पर आ गया था जो कि दोस्तों उस साल की ब्लॉक हिट बन गई और सलाखे फिल्म उन्नीस में रिलीज हुई थी जो कि उन्हें जो है गुलामे मुस्तफ़ा में उनके प्रदर्शन के लिए भी प्रशंसाएं दी गई सन उन्नीस में रवीना टंडन ने दो समीक्षकों और व्यावसायिक रूप से सफल प्लस द्वितीय जो है दुल्हे राजा और बड़े मियाँ छोटे मियाँ में इन्होंने काम किया था बड़े मियाँ छोटे मियाँ में दिखाई देकर एक अग्रणी महिला के रूप में अपनी उपस्थिति को मजबूत किया और दोनों ही साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म से साबित हुई उस वर्ष की उनकी अंतिम रिलीज मूवी बड़े मियाँ छोटे मियाँ जिसमें दोस्तों अमिताभ बच्चन और गोविंदा सह कलाकार थे इनके साथ साल की दूसरी सबसे बड़ी हिट साबित हुई रवीना टंडन को कुछ कुछ होता है में दूसरी लीड की भूमिका पेशकश की गई थी जो कि उन्नीस सौ अंठानवे की सबसे बड़ी हिट रही लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया उस वर्ष दोस्तों उनकी अन्य रिलीज मूवी घर वाले बाहर वाली थी जो कि दोस्तों विनाशक द यानी कि डिस और फिर जो है परदेशी बाबू इसके अलावा आंटी नंबर वन फिल्म थी जिनमें से दोस्तों कुछ माध्यम आलोचनात्मक और कुछ व्यवसायिक सफलताएं फिल्म रही थी सन उन्नीस में रवीना टंडन ने उपेंद्र के साथ उनकी सौ शीर्षक कॉनॉड मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म में किया। दोस्तों उपेंद्र में अभिनय किया जो कि बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी जो कि दोस्तों उन्होंने अनारी नंबर वन में भी अभिनय किया जो एक आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता फिल्म थी वही दोस्तों सोल में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें आलोचकों से भी प्रशंसाएं देखने को मिली थी 2000 के दशक में रवीना टंडन ने अभिनय किया था यथार्थवादी जो है तरीका सीखने के लिए आर्ट हाउस प्रोडक्शंस में कदम रखा और कई मुख्य धारा की फिल्मों के प्रस्ताव को ठुकरा दिए रवीना टंडन ने बुलंदी 2000 के दशक में और अक्ष मूवी 2001 जैसी फिल्मों में काम किया जिसके लिए उन्हें आलोचकों की प्रशंसा मिली उन्होंने राकेश ओम प्रकाश मेहरा की अक्स में अपने अभिनय के लिए फ़िल्मफेयर स्पेशल जो है परफॉर्मेंस के लिए अवार्ड के साथ साथ जो है कई पुरस्कार जीते थे वहीं दोस्तों इंडस्ट्री में उनके कई साल तक कई साल जो है तब यानी कि रंग लाए जब उन्होंने जो है कल्पना कल्पना लाजमी की फिल्म जो है दमन ए दमन ए विक्टम ऑफ द मैरिटल और फिर जो है वायलेंस 2001 में अपने अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का प्रतिष्ठित राष्ट्रीय फिल्मफेयर पुरस्कार जीता जिनमें दोस्तों उन्होंने एक अपमानजनक पति की और एक प्रीत जो है पत्नी की भूमिका इस फिल्म के अंदर निभाई थी उन्होंने फिल्म में अपने प्रदर्शन से आलोचकों और दर्शकों को चौंका दिया और अपने काम के लिए सराहना प्राप्त की आलोचक तरन आदर्श ने कहा था रवीना टंडन एक ही पीड़ित पत्नी की भूमिका को विश्वास ने प्रदान करवाती है जो कि दोस्तों सम्मान के साथ आगे बढ़ती है वह अपने भावों के माध्यम से जो करुणा व्यक्त करती है उससे आपको एहसास होता है कि वह एक बेहतरीन कलाकार है तब से उन्होंने कई समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्मों में अभिनय किया है जैसे कि सत्ता दो वाली और दोबारा दो वाली लेकिन बॉक्स ऑफिस पर ज़्यादा सफल नहीं मिली ज़्यादा सफलता इस फिल्म को नहीं मिली पूर्वा में राजनीति की दुनिया में धकेल दी गई जो कि माध्यम वर्गीय महिला के रूप में उनकी भूमिका की प्रशंसा की गई थी आलोचक तरन आदर्श ने लिखा है रवीना टंडन ने शानदार प्रदर्शन किया है फिल्म में और अभिनेत्री एक कलाकार के रूप में बड़ी जो है छलांग लगाती है अपने किरदार को सही स्पर्श देती है और ये एक ऐसा प्रदर्शन है जिस पर दोस्तों ध्यान दिया जाना तय होना चाहिए था इसी के साथ दोस्तों दोबारा में एक यहाँ पे सीजो फ्रेनिक के रूप में उनकी भूमिका की भी प्रशंसा की गई एक आलोचक ने कहा रवीना टंडन अपने किरदार के साथ जो है तालमेल बिठाती है अपने हिस्से को पूरे जो है उत्साह के साथ निभाती भी है जो कि सताईस यानी कि रवीना टंडन ने यहाँ पे असहरा वन टेलीविजन श्रृंखला शाही शाही बीबी गुलाम में भी काम किया था उस वक्त वही दोस्तों साल 2006 में उनकी एकमात्र रिलीज मूवी थी जिसका नाम था तो सैंडविच इस फिल्म का नाम सैंडविच रखा गया था जिसे खराब समीक्षा और स्वागत मिला कई फिल्में करने के बाद उन्होंने फिल्मों में सक्रिय रूप से जो है दिखने से ब्रेक ले लिया साल 2014 में उन्होंने महेश भट्ट और फिर जो है राज नायक के साथ जो है सी एन बी सी टी वी एटीन पर सी एस गो टैलेंट के सीजन वन को जज किया 2015 में उन्होंने लंबे समय के दोस्त अरुणा अरुण अरु, अनुराग कैश्यप की महान कीर्ति जो है बम्बे बम्बे वेल वेट से बॉलीवुड में वापसी की जो कि एक कामुक यहाँ पे जैज गायिका की भूमिका निभाते हुए उनके संक्षिप्त प्रदर्शन के आलोचकों द्वारा बहुत ज्यादा प्रशंसा की गई थी 2017 में उन्हें थ्रिलर फिल्म मात्र में देखा गया था जिसमें दोस्तों उन्होंने एक मां की भूमिका निभाई जो कि अपनी बेटी के बलात्कार का बदला लेना चाहती है और उनके अभिनय की सराहना की गई उस वक्त और उन्हें अपने प्रदर्शन के लिए आलोचकों की प्रशंसा मिली थी लेकिन वर्ष की उनकी अगली रिलीज मूवी जो है ओनिर की शार्प फिल्म थी जिसमें उन्होंने एक सोशल लाइट एक सोशल एक सोशल लाइट की भूमिका फिल्म में निभाई थी इसी के साथ दोस्तों दो में रवीना टंडन ने नेटफ्लिक्स क्राइम थ्रिलर जो है वेब सीरीज यानी कि और नायक के साथ अपना ओ डेब्यू किया और अपने प्रदर्शन के लिए सकारात्मक समीक्षा इन्होंने प्राप्त की थी उस वक्त 2022 में भी रवीना टंडन ने के जी अध्याय टू में एक महत्वपूर्ण भूमिका में दिखाई दी जो कि अब तक की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है रवीना टंडन संजय दत्त के साथ हैं विनायक गांधी की रोमांटिक कॉमेडी जो है फिल्म गुड छडी में दिखाई दी है जो कि दोस्तों इस फिल्म को दो में रिलीज किया गया है जियो पर रवीना टंडन 2003 से भारतीय बाल फिल्म सोसाइटी की अध्यक्ष थी लेकिन 2004 हज़ार चार से अभिनेत्री को शिकायतें मिलने लगी कि वह जो संगठन की बैठकों में शामिल नहीं होती है और वह सोसाइटी द्वारा जो स्थापित जो गतिविधियों में शामिल नहीं हो पाती है सितंबर 2005 में रवीना टंडन ने जो है व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया नवंबर 2005 में रवीना टंडन ने शादी जो है शादी डॉट कॉम और फिर जो है यानी कि शादी टाइम्स डॉट कॉम वेबसाइट पर जो है मुकदमा दायर किया जिसमें दावा किया गया था कि वह जो है साइट को बढ़ावा देने के लिए उनकी अनधेड़ती उनकी क्रिएट जो है तस्वीरों का इस्तेमाल कर रहे थे और उन्होंने सत्यनेट यानी कि सत्यनयन के सल्यून्स के मालिक पर भी मुकदमा दायर किया था क्योंकि उन्होंने दावा किया था कि रवीना टंडन और उनके पति की मुलाकात वेबसाइट के जरिए हुई थी उन्होंने बताया था ये झूठी बातें रही थी और ऐसी बातें फैलाई जा रही थी नवंबर 2002 में रवीना टंडन ने पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ यानी कि एनी मल्स का समर्थन करने के लिए गाना गाया था और उन्होंने जॉन अब्राहम शिल्पा शेट्टी और अमीषा पटेल जैसे जो है लोगों के साथ कई विज्ञापन अभि कई विज्ञापन अभियानों में काम किया है और गायों की खाल के लिए वध किए जाने के मुद्दे पर उन्होंने कहा था कि भ्रष्ट खाल और फिर जो है मांस व्यापारियों के हाथों उनका दुरुप्रयोग जो है रोका जाना चाहिए इस तरह से 2023 में रवीना टंडन जो है मनोरंजन जो उद्योग से पहली जो व्यक्तित्व बनी जिन्हें दोस्तों जी ट्वेंटी नई दिल्ली शिखर यानी कि इसके अलावा जो है सम्मेलन में महिला जो है शक्तिशाली शक्तिकरण जो है स्वाभाविक विंग दो में एक प्रतिनिधि के रूप में इनको चुना गया था रवीना टंडन ने उन्नीस में सिंगल मदर के तौर पर पूजा और छाया नामक दो लड़कियों को गोद लिया था जब वह जो है क्रोमस 11 और 8 साल की थी तभी इन्होंने गोद ले लिया था नब्बे के दशक के आखिर में रवीना टंडन अभिनेता अक्षय कुमार को डेट कर रही थी और उन्होंने उन्हें अपना बॉयफ्रेंड घोषित कर दिया था हालांकि उनकी सगाई हो चुकी थी लेकिन बाद में अलग हो गए रवीना टंडन ने अपनी फिल्म इस फिल्म जो यानी कि सितंबर दो के निर्माण के दौरान फिल्म जो है बीतर के अनिल थडानी को डेट करना शुरू किया और नवम्बर दो में उनकी सगाई की घोषणा की गई और उन्होंने बाईस फरवरी दो को जग मंदिर पैलेस पर जाकर शादी कर ली तो दोस्तों यह है इनकी फिल्मी करियर लाइफस्टाइल जो कि मैंने इसी वीडियो में एक ही साथ इस मूवीज़ को रिव्यू करते हुए कुछ छठी फिल्म को रिव्यू करते हुए मैंने आपको बता दिया तो दोस्तों अगर आप लोग को आज का रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आप लोगों से एक और नई वीडियो में तब तक लिए टिल एंड यू सून हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ए के मोई फेक्ट पर दोस्तों आप सब कैसे हैं उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस मूवी के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है गुड छडी तो दोस्तों ये फिल्म कौन सी है और आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलेगा इसकी पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं और साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के बारे में जी हाँ दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गुड छड्डी फिल्म को बनाने में कितना रुपया है साथ दोस्तों इस फिल्म ने अभी तक कितनी कमाई कर ली है बॉक्स ऑफिस इस पर इसकी भी जानकारी इस कहानी कैसी है और इस फिल्म को देखना चाहिए या फिर नहीं देखना चाहिए संजय दत्त के फैन हो और गुड छट्टी फिल्म को यूरोप पर हिंदी में देखना चाहते हो तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है तो चलिए दोस्तों बिना किसी देर के आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट की अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब को, को प्रेस कर में बात कर लेते हैं गुड छड्डी फिल्म के बारे में दोस्तों ये फिल्म साल दो हजार चौबीस में रिलीज हुई भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो विनय गांधी द्वारा निर्देशित किया गया है और इसी के साथ इस फिल्म को दीपक कपूर भारद्वाज द्वारा लिखित किया गया है वहीं दोस्तों फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में हम बात करें तो दोस्तों फिल्म में अरुणा ईरानी संजय दत्त उनके अलावा रवीना टंडन उनके अलावा खुशाली कुमार फिल्म में अभिनय करते हुए दिखाई दी है वही दोस्तों बात की जाए गुड फिल्म के रिलीज के रिलीज डेट बारे में तो इस फिल्म को अगस्त को रिलीज किया गया है वही इस फिल्म की रोन टाइम के बारे में हम बात करें तो ये फिल्म एक मिनट की बनाई गई है वही दोस्तों बता दें इस फिल्म के उत्पादन जो है फिल्म की घोषणा फरवरी दो के माध्यम में की गई थी और मुख्य फोटोग्राफी तेईस

वन फाइव स्टार दिया है लेकिन दोस्तों अगर आप लोग आप लोग इस फिल्म को देख चुके हो तो आप इस मूवी को कितना रिव्यू रेटिंग देना चाहते हो आप मुझे नीचे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों आप लोग को बताया है हमारे YouTube चैनल पे आपको सिर्फ मूवी रिव्यू मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट ही देखने को मिलता है इस वीडियो में हम गुड छठनी फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं तो दोस्तों फिल्म की कहानी कैसी है क्या फिल्म को देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए ये ये सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हुए हैं तो इस वीडियो में आप लोग विस्तार से एंड तक जरूर बन रहिएगा क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम एक एक चीज़ के बारे में बताएंगे फिल्म को कहाँ पर शूट किया गया है कौन से स्टार स्टारकास्ट को कितना रुपया दिया गया इस फिल्म में काम करने के लिए इसकी भी जानकारी इस वीडियो में हम आपको डेफिनेटली देने वाले हैं अगर बात करें फिल्म की कहानी के बारे में तो दोस्तों फिल्म में दिखाया गया फिल्म दो प्रेम कहानियों के इर्द गिर्द घूमती है एक युवा जोड़े के बीच और फिर दूसरी उनके संबंधित जो है विधवा माता पिता जो कि पूर्व प्रेमी भी है और शादी के बंधन में बंधने का सपना देख रहे हैं हालांकि परिवार के रोधीवादी जो है महिला दोनों जोड़ों के अंतर जो है सामुदायिक और फिर संबंधों और फिर सौतेले भाई बहनों के पति पत्नी के रूप में होने की संभावना के खिलाफ क्या जोड़े एक सुखद अंत पाएंगे या नहीं ये बाकी कहानी में देखने को मिलेगा समीक्षक ने बताया है कि निर्देशक बिनाय के बिनाय के गांधी की फिल्म एक रोमांटिक ड्रामा प्रेम कहानियों और फिर पारिवारिक जो है गतिशीलताओं को जोड़ती है जो एक परिचित क्षेत्र को दर्शाती है ये फिल्म कहानी और चरित्र चित्र से लेकर यहाँ पे संघर्ष और फिर जो समाधान तक कथा अनुमानित रहती है वहीं दोस्तों बता दें चिराग पार्थ उनके अलावा समथान और फिर उसकी प्रेम उसकी प्रेमिका देविका खुशाली कुमार के साथ जो है संबंधित माता पिता और फिर कर्नल जो है बीर शर्मा संजय दत्त इस किरदार को प्ले किए हैं वहीं दोस्तों फिल्म के मुख्य संघर्ष के बारे में बात की जाए तो मुख्य संघर्ष अंतर यहाँ पे समुदाय रोमांस और फिर जो है अपरम्परागत पारिवारिक गतिशीलता और इसके अलावा जो सुविधाजनक जो है कथानक मोड़ के माध्यम से ही हल किए गए हैं जो दूर की यहाँ पे कौड़ी लगाया जाता है जब वीर यहाँ पे मेनका को अपनी होने वाली पत्नी के रूप में घर लेकर आता है तो उससे परेशान होकर उसकी रोधिवादी माँ यहाँ पे कालयानी देवी यानी कि अरुणा ईरानी एक रिश्तेदार के साथ रहने के लिए घर छोड़ देती है यहाँ दोस्तों वृद्ध महिला के साथ उसके जो है बेटे द्वारा दुर्व्यवहार किए जाने से दुर्व्यवहार किए जाने या फिर जो वरिष्ठ यहाँ पे नागरिकों के एक समूह द्वारा जो है पार्थ को ये बताने के उदाहरण के जो है यहाँ पे बुढ़ापे में कितना जो अकेलापन होता है ये कहानी में सहज रूप से शामिल नहीं किया गया है जो कि दोस्तों फिल्म सामाजिक और फिर जो है मानदंडों से प्रेम और फिर जो है प्रेरित प्रेम जो है जैसा है क्योंकि यहाँ पे प्रगतिशील विचारों को तलाशने का भी यहाँ पे प्रयास किया गया है लेकिन दोस्तों दृष्टिकोण रोधी रोधियों पर निर्भर करता है जिससे दोस्तों प्रभाव कम हो जाता है इस फिल्म का वहीं दोस्तों आगे कहानी में विनाय के गांधी इसमें पहली बार जो है फीचर फिल्म निर्देशक के रूप में उम्मीद जगाए हैं लोगों में तो फिल्म अधिकांश भाग में एक समान गति से आगे बढ़ती है हालांकि उनके निर्देशकों ने अधिक जो है आकर्षक कहानी और फिर अधिक सघन अधिक सूक्ष्म और इसके अलावा पदकथा और स्क्रीन प्ले से लाभ मिल सकता था उनको और भी ज़्यादा अगर और थोड़ा सा मेहनत किया गया होता फिल्म की कहानी के ऊपर तो खुशाली कुमार और फिर पार्थिव समथाना का अभिनय ठीक ठाक है फिल्म में हालांकि दोनों के बीच एक स्वाभाविक केमिस्ट्री भी है रवीना टंडन और फिर संजय दत्त ने सराहनीय अभिनय किया है जबकि अरुणा ईरानी का एक प्यार करने वाले लेकिन यहाँ पे सख्त यहाँ पे आपको बता दें सख्त यहाँ पे मात्र सत्तात्मक महिला का चित्रण जो है यहाँ पर आतिश व्यक्तिपूर्ण लगता है हालांकि देखने में अच्छी है लेकिन यहाँ पे गुड छड चड़, गुड छड्डी एक मनोरंजन फिल्म के रूप में कमजोर है जो कहानी पूर्वानुमानित मोर के साथ सामने आती है फिल्म की जो दर्शकों को मजबूत भावनात्मक संबंध बनाने से रोकती है और ये फिल्म शायद दर्शकों को कुछ नया या फिर जो है मार्मिक तलाशने मार्मिक जो है तलाशने के लिए प्रेरित भी करती है तो इस तरह का रिव्यूअर्स ने रिव्यू दिया है अगर आप लोग गुड गुड छठी फिल्म को देख चुके हैं पहले ही तो आप इस फिल्म को कितना रिव्यू रेटिंग देना चाहते हो आप अपना राय मुझे नीचे कॉमेंट करके बता सकते हो दोस्तों आप लोग को पता है जितने भी लोग मुझे कमेंट करके कोई भी चीज़ पूछते हैं तो मैं उनका जवाब डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में जाकर देता हूं तो आप लोग कमेंट करना मत भूलिएगा क्योंकि आप लोग को पता है मैं हर चीज़ आप लोगों को कमेंट में बता सकता हूं जो भी आप लोग पूछते हैं उसका जवाब मैं सीधे कमेंट पर ही दे देता हूं तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं गुड छट्डी फिल्म के बारे में जो कि एक अच्छी प्रेम कहानी वाली फिल्म है जिसमें रवीना टंडन और संजय दत्त ने अभिनय किया है तो दोस्तों ये फिल्म एक प्रेम कहानी के ऊपर बेस्ड है लेकिन फिल्म की कहानी में काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल होती है एक विधवा मां बाप जो दोबारा से शादी करना चाहते हैं संजय दत्त और रवीना टंडन की प्रेम कहानी को इस फिल्म के अंदर दर्शाया गया है वाकई ये चीज़ से पुरानी तो है लेकिन आपको देखने में ज़रूर मज़ा आएगा क्योंकि गुड़छट्टी की कहानी कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है दोस्तों लंबे समय के बाद संजय दत्त और रवीना टंडन को दर्शक फिर से रोमांस करते देख सकेंगे इस स्क्रीन पे लेकिन इस बार रोमांस में थोड़ा सा विलेन कोई और नहीं बल्कि इनके बच्चे बनेंगे क्योंकि इनके बच्चों का भी आपस में रोमांस यहाँ परवान चल रहा होता है और ऐसे ही जो है उलझी हुई रोमांटिक कॉमेडी लेकर आ गए हैं के गांधी जिनके निर्देशन में बनी फिल्म जो यहां पे गोडचड्डी नौ अगस्त को जियो सिनेमा पर रिलीज हो चुकी है वो दोस्तों बता दें यहाँ पे बीर शर्मा संजय दत्त के बेटे चिराग शर्मा पार्थ यानी कि समथाना का प्यार मेन का अरविना टंडन की बेटी दीपिका यानी कि खुशहाली कुमार के साथ जो है परवान चल रहा होता है लेकिन इसी ही दौरान संजय दत्त की मुलाकात रवीना टंडन से होती है और एक अर्से पहले जो है दबे उनके अरमान फिर से जागना स्टार्ट हो जाता है और उनकी प्रेम कथा शादी तक पहुंचने लग जाती है अब दोस्तों क्या है? इनके बच्चे इनकी शादी में रोडा बनेंगे या फिर दोनों दोनों अपने बच्चों की शादी में जो है रोड बनेंगे इन सब सवालों के जवाब जो है आपको ये फिल्म देख ही मिलेगी मालूम होगा जो कि फिल्म में दो जो है पीढ़ियों का प्यार को मजेदार अंदाज में दिखाया गया है और इस रोमांटिक कहानी में कॉमेडी का भी टर्का आपको देखने को मिल जाता है संजय दत्त ने हमेशा की तरह अच्छी एक्टिंग की है उन्होंने अपने किरदार के साथ पूरा न्याय किया है उनकी फिल्म के अंदर जो शख्सियत का रुआब फिल्म में पूरी तरह से झलकता है जो कि रवीना टंडन फिल्म में एक एक यहाँ पे फ्रेशनेस लेकर आती है और उन पर जो है उम्र का कोई भी प्रभाव नहीं झलकता उन्होंने अपना जो है चुलबुलापन बरकरार रखा है और पार्थ यानी कि समथान ने भी अच्छा अभिनय किया है और अपना शो जो है फीसदी इस फिल्म में दी है इससे पहले भी दोस्तों वह कई जो है टी शो कर चुकी हैं और अब उनकी एक्टिंग में गंभीरता साफ़ दिखी जा सकती है फ़िल्म में जो कि दोस्तों यहाँ पे खुशहाली कुमार उनके अलावा खुशहाली कुमार जो है देखने में सुंदर लगती है और उन्होंने अच्छा अभिनय किया है जो कि फ़िल्म में दोस्तों अरुणा ईरानी ने भी काल्याणी देवी का शानदार किरदार इस फिल्म में प्ले किया है वहीं दोस्तों डायरेक्शन के बारे में हम बात कर ले तो विनायके गांधी का निर्देशन काफ़ी सदा हुआ है फिल्म में उन्होंने कहीं भी और कहानी को निराश नहीं पढ़ने दिया है और दर्शक फिल्म देखकर कर खुश मिजाजी का एहसास भी कर सकते हैं वहीं दोस्तों उन्होंने इस फिल्म के अंदर जो है एक्टर्स का चयन बड़ी जो है सावधानी से की है और अपने इस प्रयास में वह पूरी तरह से सफल हुए हैं फिल्म के तकनीकी पक्ष में भी दोस्तों फोटोग्राफी स्क्रीन प्ले और फिर एडिटिंग आदि उत्तम दर्जे की रखी गई है जो कि संच शेप में कहा जा सकता है कि फिल्म में वह सब कुछ एलिमेटेड के तरह तैयार किया गया है जो कि इसे एक पारिवारिक रोमांटिक कॉमेडी बनाता है वहीं दोस्तों फिल्म में संगीत यानी कि तनिक्ष बागची का रखा गया है क्योंकि फिल्म के अंदर जो है सुखवीरन ने सुखवीर ने दिया है और यहाँ पे गीत भी जो है तनिक्ष बागची और फिर जो है सुखवीर के ही है फिल्म का संगीत मधुर है और इसके गाने जो है चार्टास्टर पर धूम मचा रहे हैं फिल्म में दो गाने हैं और दोनों ही पंजाबी भाषा में ही बनाया गया है दिल वजदा और फिर पंजाबी मुंडे पौन यानी कि भंगडा दोनों ही गाने जो है मज़ेदार है आपको देखने में ये गाने अच्छे ज़रूर लग सकते हैं तो दोस्तों गुड़ छड्डी एक अच्छी प्रेम कहानी वाली फिल्म है जो कि आपको एक बार जरूर देखना चाहिए आइए दोस्तों बात करते हैं फिल्म नज़र आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में कि इस फिल्म में मुख्य स्टार कास्ट को कितने रुपये दिए गए हैं फिल्म में अभिनय करने के लिए ताकि दोस्तों आप लोग को भी पता चल जाए कि गुड़ छड्डी फिल्म की कहानी में क्या परफॉर्मेंस है क्या दम है संजय दत्त इसमें नज़र आए हैं रवीना टंडन उनके अलावा दोस्तों पार्थ समथान उनके अलावा खुशहाली कुमार फिल्म में अभिनय किए हैं तो आइए दोस्तों हम बात करते हैं रवीना टंडन के बारे में सबसे पहले जिन्होंने इस फिल्म में एक बार फिर से अभिनय करके अपनी जवानी अपने हुस्न का जलवा दिखाने की कोशिश की है इनके ऊपर उम्र का कोई भी असर नहीं पड़ा है ऐसा दर्शक का मानना है तो दोस्तों अगर आपको भी लगता है कि हाँ रवीना टंडन आज भी उन्नीस सौ नब्बे के दशक जैसी ही दिखती है फिल्मों में अगर आप इस बात से सहमत हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों सबसे पहले टोंडन ने पत्थर के फूल फिल्म उन्नीस सौ इक्यानवे में इस फिल्म में काम करके इन्होंने डेब्यू किया था जो कि दोस्तों हिट रही थी और उन्हें अपने प्रदर्शन के लिए लक्ष्य न्यू फेस ऑफ द ईयर का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला था इस फिल्म के परिणाम स्वरूप उनके फिल्मी करियर में एक बड़ी सफलता मिली और मुख्य रूप से उन्हें जो है रातों रात स्टार के रूप में स्थापित किया गया था वहीं सन उन्नीस साथ जीना मरना तेरे संग में अभिनय किया था और ये फिल्म साल की उनकी एकमात्र रिलीज फिल्म थी और माध्यम सफलता साबित हुई वहीं सन उन्नीस में टोंडोन डॉन की सात फिल्में रिलीज हुई जो कि छात्रिया और दिव्या शक्ति जैसे जो है नाटक माध्यम सफलताए फिल्में थी उस वर्ष उन्होंने अपनी तेलुगु की पहली फिल्म जो है बंगारू बुल्लुडू में भी अभिनय किया था जिसे बॉक्स ऑफिस पर हिट के रूप में दर्जा मिला था सन उन्नीस सौ चौरानवे में रवीना टंडन को दस फिल्मों में काम करने का सफलता मिली जिनमें जिनमें से दोस्तों आदिकांश सफल रही और चार फिल्में साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से शामिल थी जैसे दोस्तों मोहरा दिलवाले उसके अलावा आतिश और फिर जो है लाडला इसके अलावा दोस्तों मोहरा फिल्म के गाने जो है तो चीज बड़ी है मस्त मस्त में उनके प्रदर्शन के बाद उन्हें मस्त मस्त गर्ल नाम भी मिल गया था जो कि दोस्तों लाडला ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए फ़िल्मफेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया वहीं उस वर्ष उनकी अन्य रिलीज में सनी देओल सैफ अली खान के साथ थ्रिलर मूवी इम्तिहान मूवी थी जो कि और एक कल्ट कॉमेडी अंदाज अपना अपना में इन्होंने फिर से सलमान खान और फिर आमिर खान के साथ काम की थी जो कि दोस्तों रिलीज होने के बाद बॉक्स ऑफिस पर एक सेमी हिट रही थी लेकिन दोस्तों एक बड़ी व्यावसायिक सफलता बाद में साबित हुई वही वही दोस्तों वर्ष की उनकी एक और रिलीज मूवी जो है जमाने से क्या डरना यहाँ पे टिकट जो है खिड़की पर जो है लाभदायक रही और एक माध्यम सफलता के रूप में यह फिल्म उभरी थी सन पंचानवे में रवीना टंडन ने शाहरुख खान के साथ पहली बार जो है जमाना दीवाना में अभिनय किया दोस्तों फिल्म अच्छा प्रदर्शन करने में सफल रही लेकिन खिलाड़ियों का खिलाड़ी उन्नीस और फिर जो है जिद्दी उन्नीस सनी देओल के साथ जैसी हिट फिल्मों के साथ उनका करियर वापस पटरी पर आ गया था जो कि दोस्तों उस साल की ब्लॉकबस्टर हिट बन गई और सलाखे फिल्म उन्नीस में रिलीज हुई थी जो कि उन्हें जो है गुलाम मुस्तफ़ा में उनके प्रदर्शन के लिए भी प्रशंसाएं दी गई सन उन्नीस में रवीना टंडन ने दो समीक्षकों और व्यावसायिक रूप से सफल प्रस्तुतियों जो है दुल्हे राजा और बड़े मियाँ छोटे मियाँ में इन, इन्होंने काम किया था बड़े मिया छोटे मियाँ में दिखाई देकर एक अग्रणी महिला के रूप में अपनी उपस्थिति को मजबूत किया और दोनों ही साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म में से साबित हुई उस वर्ष की उनकी अंतिम रिलीज मूवी बड़े मियाँ छोटे मियाँ जिसमें दोस्तों अमिताभ बच्चन और गोविंदा सह कलाकार थे इनके साथ साल की दूसरी सबसे बड़ी हिट साबित हुई रवीना टंडन को कुछ कुछ होता है में दूसरी लीड की भूमिका पेशकश की गई थी जो कि उन्नीस की सबसे बड़ी हिट रही लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया उस वर्ष दोस्तों कि अन्य रिलीज मूवी घर वाली, वाली थी जो कि दोस्तों विनाशक द यानी कि डिस्ट्रॉयल और फिर जो है परदेसी बाबू इसके अलावा आंटी नंबर वन फिल्म थी जिनमें से दोस्तों कुछ माध्यम आलोचनात्मक और कुछ व्यवसायिक सफलताएं फिल्म रही थी सन उन्नीस में रवीना टंडन ने उपेंद्र के साथ उनकी सौ शीर्षक कॉर्नॉड मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म में काम किया दोस्तों उपेंद्र में अभिनय किया जो कि बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी जो कि दोस्तों उन्होंने अनारी नंबर वन में भी अभिनय किया जो एक आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता फिल्म थी वही दोस्तों सोल में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें आलोचकों से भी प्रशंसाएं देखने को मिली थी 2000 के दशक में रबीना टंडन ने अभिनय किया था यथार्थवादी जो है तरीका सीखने के लिए आर्ट हाउस प्रोडक्शंस में कदम रखा और कई मुख्य धारा की फिल्मों के प्रस्ताव को ठुकरा दिए रबीना टंडन ने बुलंदी 2000 के दशक में और अक्ष मूवी 2001 जैसी फिल्मों में काम किया जिसके लिए उन्हें आलोचकों की प्रशंसा मिली उन्होंने राकेश ओम प्रकाश मेहरा की अक्ष में अपने अभिनय के लिए फिल्म फेयर स्पेशल जो है परफॉर्मेंस के लिए अवार्ड के साथ साथ जो है कई पुरस्कार जीते थे वहीं दोस्तों इंडस्ट्री में उनके कई साल तक कई साल जो है तब यानी कि रंग लाए जब उन्होंने जो है कल्पना कल्पना लाजमी की फिल्म जो है दमन ए दमन ए विक्टम ऑफ द मैरिटल और फिर जो है वायलेंस 2001 में अपने अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का प्रतिष्ठित राष्ट्रीय फिल्मफेयर पुरस्कार जीता जिनमें दोस्तों उन्होंने एक अपमानजनक पति की और एक पीड़ित जो है पत्नी की भूमिका इस फिल्म के अंदर निभाई थी उन्होंने फिल्म में अपने प्रदर्शन से आलोचकों और दर्शकों को चौंका दिया और अपने काम के लिए सराहना प्राप्त की आलोचक आदर्श ने कहा था रवीना टंडन एक ही ने प्रदान करवाती है जो कि दोस्तों सम्मान के साथ आगे बढ़ती है वह अपने भावों के माध्यम से जो करुणा व्यक्त करती है उससे आपको एहसास होता है कि वह एक बेहतरीन कलाकार है तब से उन्होंने कई समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्मों में अभिनय किया है जैसे कि दो वाली और दोबारा दो वाली लेकिन बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा सफल नहीं मिली ज़्यादा सफलता इस फिल्म को नहीं मिली पूर्वा में राजनीति की दुनिया में धकेल दी गई जो कि माध्यम वर्गीय महिला के रूप में उनकी भूमिका की प्रशंसाएं की गई थी आलोचक तरन आदर्श ने लिखा है रवीना टंडन ने शानदार प्रदर्शन किया है फिल्म में और अभिनेत्री एक कलाकार के रूप में बड़ी जो है छलांग लगाती है अपने किरदार को सही स्पर्श देती है और ये एक ऐसा प्रदर्शन है जिस पर दोस्तों ध्यान दिया जाना तय होना चाहिए था इसी के साथ दोस्तों दोबारा में एक यहाँ पे सीजो फ्रेनिक के रूप में उनकी भूमिका की भी प्रशंसा की गई एक आलोचक ने कहा रवीना टंडन अपने किरदार के साथ जो है तालमेल बिठाती है अपने हिस्से को पूरे जो है उत्साह के साथ निभाती भी है जो कि सत्ताईस कि रवीना टंडन ने यहाँ पे असहारा वर्ल्ड टेलीविजन श्रृंखला शाही शाही बीबी गुलाम में भी काम किया था उस वक्त वही दोस्तों साल 2006 में उनकी एकमात्र रिलीज मूवी थी जिसका नाम था सैंडविच इस फिल्म का नाम सैंडविच रखा गया था जिसे खराब समीक्षा और स्वागत मिला कई फिल्में करने के बाद उन्होंने फिल्मों में सक्रिय रूप से जो है दिखने से ब्रेक ले लिया साल 2014 में उन्होंने महेश भट्ट और फिर जो है राज नायक के साथ जो है सी एन बी सी टी वी पर सी ई एस गोड टैलेंट के सीजन वन को जज किया 2015 में उन्होंने लंबे समय के दोस्त अरुणा अरुण अरु, अनुराग कैश्यप की महान कीर्ति जो है बम्बे बम्बे वेल वेट से बॉलीवुड में वापसी की जो कि एक कामुक यहाँ पे जयज गायिका की भूमिका निभाते हुए उनके संक्षिप्त प्रदर्शन के आलोचकों द्वारा बहुत ज़्यादा प्रशंसा की गई थी 2017 में उन्हें थ्रिलर फिल्म मात्र में देखा गया था जिसमें दोस्तों उन्होंने एक मां की भूमिका निभाई जो कि अपनी बेटी के बलात्कार का बदला लेना चाहती है और उनके अभिनय की सराहना की गई उस वक्त और उन्हें अपने प्रदर्शन के लिए आलोचकों की प्रशंसा मिली थी लेकिन वर्ष की उनकी अगली रिलीज मूवी जो है ओनिर की शार्प फिल्म थी जिसमें उन्होंने एक सोशल लाइट एक सोशल एक सोशल लाइट की भूमिका फिल्म में निभाई थी इसी के साथ दोस्तों दो में रवीना टंडन ने नेटफ्लिक्स क्राइम थ्रिलर जो है वेब सीरीज यानी कि अरनायक के साथ अपना ओ डेब्यू किया और अपने प्रदर्शन के लिए सकारात्मक समीक्षा इन्होंने प्राप्त की थी उस वक्त 2022 में भी रवीना टंडन ने के जी एफ अध्याय टू में एक महत्वपूर्ण भूमिका में दिखाई दी जो कि अब तक की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है रवीना टंडन संजय दत्त के साथ विनायक गांधी की रोमांटिक कॉमेडी जो है फिल्म गुड छठी में दिखाई दी है जो कि दोस्तों इस फिल्म को दो में रिलीज किया गया है जियो पर रवीना टंडन 2003 से भारतीय बाल फिल्म सोसाइटी की अध्यक्ष थी लेकिन 2004 से अभिनेत्री को शिकायतें मिलने लगी कि वह जो संगठन की बैठकों में शामिल नहीं होती है और वह सोसाइटी द्वारा जो स्थापित जो गतिविधियों में शामिल नहीं हो पाती है सितंबर 2005 में रवीना टंडन ने जो है व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया नवंबर 2005 में रवीना टंडन ने शादी जो है शादी डॉट कॉम और फिर जो है यानी कि शादी टाइम्स डॉट कॉम वेबसाइट पर जो है मुकदमा दायर किया जिसमें दावा किया गया था कि वह जो है साइट को बढ़ावा देने के लिए उनकी अंधेड़ी उनकी अधिकृत जो है तस्वीरों का इस्तेमाल कर रहे थे और उन्होंने सत्यनेट यानी कि सत्यनयन के सल्यून्स के मालिक पर भी मुकदमा दायर किया था क्योंकि उन्होंने दावा किया था कि रवीना टंडन और उनके पति की मुलाकात वेबसाइट के जरिए हुई थी उन्होंने बताया था ये झूठी बातें रही थी और ऐसी बातें फैलाई जा रही थी नवंबर 2002 में रवीना टंडन ने पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ यानी कि एनी का समर्थन करने के लिए गाना गाया था और उन्होंने जॉन अब्राहम शिल्पा शेट्टी और अमीषा पटेल जैसे जो है लोगों के साथ कई विज्ञापन अभि कई विज्ञापन अभियानों में काम किया है और गायों की खाल के लिए वध किए जाने के मुद्दे पर उन्होंने कहा था कि भ्रष्ट खाल और फिर जो है मांस व्यापारियों के हाथों उनका दुरुप्रयोग जो है रोका जाना चाहिए इस तरह से 2023 में रवीना टंडन जो है मनोरंजन जो उद्योग से पहली जो व्यक्तित्व बनी जिन्हें दोस्तों जी ट्वेंटी नई दिल्ली शिखर यानी कि इसके अलावा जो है सम्मेलन में महिला जो है शक्तिशाली शक्तिकरण जो है स्वाभाविक विंग दो में एक प्रतिनिधि के रूप में इनको चुनाया गया था रवीना टंडन ने उन्नीस में सिंगल मदर के तौर पर पूजा और छाया नामक दो लड़कियों को गोद लिया था जब वह जो है क्रोमस 11 और 8 साल की थी तभी इन्होंने गोद ले लिया था नब्बे के दशक के आखिर में रवीना टंडन अभिनेता अक्षय कुमार को डेट कर रही थी और उन्होंने उन्हें अपना बॉयफ्रेंड घोषित कर दिया था हालांकि उनकी सगाई हो चुकी थी लेकिन बाद में अलग हो गए रवीना टंडन ने अपनी फिल्म इस फिल्म जो यानी कि सितंबर दो के निर्माण के दौरान फिल्म जो है बीतर के अनिल थडानी को डेट करना शुरू किया और नवम्बर दो में उनकी सगाई की घोषणा की गई और उन्होंने बाईस फरवरी दो को जग मंदिर पैलेस पर जाकर शादी कर ली तो दोस्तों यह है इनकी फिल्मी करियर लाइफस्टाइल जो कि मैंने इसी वीडियो में एक ही साथ इस मूवीज़ को रिव्यू करते हुए गुड छठी फिल्म को रिव्यू करते हुए मैंने आपको बता दिया तो दोस्तों अगर आप लोग को आज का रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आप लोगों से एक और नई वीडियो में तब तक लिए टिल एंड सी सून हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू बैक मई यूट्यूब चैनल दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ए के मूवी फेक्ट पर दोस्तों आप सब कैसे हैं उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस मूवी के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है गुड छडी तो दोस्तों ये फिल्म कौन सी है और आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलेगा इसकी पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं और साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के बारे में जी हाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गुड छड्डी फिल्म को बनाने में कितना रुपया हुआ है इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म ने अभी तक कितनी कमाई कर ली है बॉक्स इस ऑफिस पर इसकी भी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं साथ ही साथ दोस्तों इस फिल्म की कहानी कैसी है और इस फिल्म को देखना चाहिए या फिर नहीं देखना चाहिए इसकी भी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देंगे तो दोस्तों अगर आप लोग संजय दत्त के फैन हो और गुड छट्टी फिल्म को यूरोप पर हिंदी में देखना चाहते हो तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है तो चलिए दोस्तों बिना किसी देर के आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एके को प्रेस कर आइए तो दोस्तों गुड छड्डी फिल्म के बारे में दोस्तों ये फिल्म साल दो में रिलीज हुई भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो विनाय गांधी द्वारा निर्देशित किया गया है और इसी के साथ इस फिल्म को दीपक कपूर भारद्वाज द्वारा लिखित किया गया है वहीं दोस्तों फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में हम बात करें तो दोस्तों दत्त उनके अलावा टंडन पार्थ समुशाली कुमार फिल्म में करते दी है फिल्म को, को रिलीज किया गया है वही इस फिल्म की रॉन टाइम के बारे में हम बात करें तो ये फिल्म एक मिनट की बनाई गई है वही दोस्तों बता दें इस फिल्म का उत्पादन जो है फिल्म की घोषणा फरवरी दो के माध्यम में की गई थी और मुख्य फोटोग्राफी तेईस

फाइव स्टार दिया है लेकिन दोस्तों अगर आप लोग आप लोग इस फिल्म को देख चुके हो तो आप इस मूवी को कितना रिव्यू रेटिंग देना चाहते हो आप मुझे नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों आप लोग को बताया हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको सिर्फ मूवी रिव्यू मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट ही देखने को मिलता है इस वीडियो में हम गुड छठनी फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं तो दोस्तों फिल्म की कहानी कैसी है क्या फिल्म को देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए ये ये सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हुए हैं तो इस वीडियो में आप लोग विस्तार से एंड तक जरूर बन रहिएगा क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम एक एक चीज़ के बारे में बताएंगे फिल्म को कहाँ पर शूट किया गया है कौन से स्टार स्टारकास्ट को कितना रुपया दिया गया है इस फिल्म में काम करने के लिए इसकी भी जानकारी इस वीडियो में हम आपको डेफिनेटली देने वाले हैं अगर बात करें फिल्म की कहानी के बारे में तो दोस्तों फिल्म में दिखाया गया फिल्म दो प्रेम कहानियों के इर्द-गिर्द घूमती है एक युवा जोड़े के बीच और फिर दूसरी उनके संबंधित जो है विधवा माता-पिता जो कि पूर्व प्रेमी भी है और शादी के बंधन में बंधने का सपना देख रहे हैं हालांकि परिवार के रोधीवादी जो है महिला दोनों जोड़ों के अंतर जो है सामुदायिक और फिर संबंधों और फिर सौतेले भाई बहनों के पति पत्नी के रूप में होने की संभावना के खिलाफ क्या जोड़े एक सुखद अंत पाएंगे या नहीं ये बाकी कहानी में देखने को मिलेगा समीक्षक ने बताया है कि निर्देशक बिनाय के बिनाय के गांधी की फिल्म एक रोमांटिक ड्रामा प्रेम कहानियों और फिर पारिवारिक जो है गतिशीलताओं को जोड़ती है जो एक परिचित क्षेत्र को दर्शाती है ये फिल्म कहानी और चरित्र चित्रण से लेकर यहाँ पे संघर्ष और फिर जो है समाधान तक कथा अनुमानित रहती है वहीं दोस्तों बता दें चिराग पार्थ उनके अलावा समथान और फिर उसकी प्रेम उसकी प्रेमिका देविका खुशहाली कुमार के साथ जो है संबंधित माता पिता और फिर कर्नल जो है बीर शर्मा संजय दत्त इस किरदार को प्ले किए हैं वहीं दोस्तों फिल्म के मुख्य संघर्ष के बारे में बात की जाए तो मुख्य संघर्ष अंतर यहाँ पे समुदाय रोमांस और फिर जो है अपरम्परागत पारिवारिक गतिशीलता और इसके अलावा जो सुविधाजनक जो है कथानक मोड़ के माध्यम से ही हल किए गए हैं जो दूर की यहाँ पे कौडी लगाया जाता है जब वीर यहाँ पे मेनका को अपनी होने वाली पत्नी के रूप में घर लेकर आता है तो उससे परेशान होकर उसकी रोधिवादी माँ यहाँ पे काल्याणी देवी यानी कि अरुणा ईरानी एक रिश्तेदार के साथ रहने के लिए घर छोड़ देती है यहाँ दोस्तों वृद्ध महिला के साथ उसके जो है बेटे द्वारा दुर्व्यवहार किए जाने से दुर्व्यवहार किए जाने या फिर जो वरिष्ठ यहाँ पे नागरिकों के एक समूह द्वारा जो है पार्थ को ये बताने के उदाहरण किए जो है यहाँ पे बुढ़ापे में कितना जो अकेलापन होता है ये कहानी में सहज रूप से शामिल नहीं किया गया है जो कि दोस्तों फिल्म सामाजिक और फिर जो है मानदंडों से प्रेम और फिर जो है प्रेरित प्रेम जो है जैसा है क्योंकि यहाँ पे प्रगतिशील विचारों को तलाशने का भी यहाँ पे प्रयास किया गया है लेकिन दोस्तों दृष्टिकोण रोधी रोधियों पर निर्भर करता है जिससे दोस्तों प्रभाव कम हो जाता है इस फिल्म का वहीं दोस्तों आगे कहानी में बिना के गांधी इसमें पहली बार जो है फीचर फिल्म निर्देशक के रूप में उम्मीद जगाए हैं लोगों में क्योंकि फिल्म अधिकांश भाग में एक समान गति से आगे बढ़ती है हालांकि उनके निर्देशकों ने अधिक जो है आकर्षक कहानी और फिर अधिक सघन अधिक सूक्ष्म और इसके अलावा पथकथा और इसक्रीन प्ले से लाभ मिल सकता था उनको और भी ज़्यादा अगर और थोड़ा सा मेहनत किया गया होता फिल्म की कहानी के ऊपर तो खुशाली कुमार और फिर पार्थे सम्धाना का अभिनय ठीक ठाक है फिल्म में हालांकि दोनों के बीच एक स्वाभाविक केमिस्ट्री भी है रवीना टंडन और फिर संजय दत्त ने सराहनीय अभिनय किया है जबकि अरुणा ईरानी का एक प्यार करने वाले लेकिन यहाँ पे सख्त यहाँ पे आपको बता दें सख्त यहाँ पे मात्र सत्तात्मक महिला का चित्रण जो है यहाँ पर आतिश व्यक्तिपूर्ण लगता है हालांकि देखने में अच्छी है लेकिन यहाँ पे गुड चड़, गुड छड्डी ए के मनोरंजन फिल्म के रूप में कमजोर है जो कहानी पूर्वानुमानित मोर के साथ सामने आती है फिल्म की जो दर्शकों को मजबूत भावनात्मक संबंध बनाने से रोकती है और ये फिल्म शायद दर्शकों को कुछ नया या फिर जो है मार्मिक तलाशने मार्मिक जो है तलाशने के लिए प्रेरित भी करती है तो इस तरह का रिव्यूअर्स ने रिव्यू दिया है अगर आप लोग गुड गुड छठी फिल्म को देख चुके हैं पहले ही तो आप इस फिल्म को कितना रिव्यू रेटिंग देना चाहते हो आप अपना राय मुझे नीचे कॉमेंट करके बता सकते हो दोस्तों आप लोग को पता है जितने भी लोग मुझे कमेंट करके कोई भी चीज़ पूछते हैं तो मैं उनका जवाब डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में जाकर देता हूं तो आप लोग कमेंट करना मत भूलिएगा क्योंकि आप लोग को पता है मैं हर चीज़ आप लोग को कमेंट में बता सकता हूं जो भी आप लोग पूछते हैं उसका जवाब मैं सीधे कमेंट पर ही दे देता हूं तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात कर रहे गुड़ छट्डी फिल्म के बारे में जो कि एक अच्छी प्रेम कहानी वाली फिल्म है जिसमें रवीना टंडन और संजय दत्त ने अभिनय किया है तो दोस्तों ये फिल्म एक प्रेम कहानी के ऊपर बेस्ड है लेकिन फिल्म की कहानी में काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल होती है एक विधवा मां बाप जो दोबारा से शादी करना चाहते संजय दत्त और रवीना टंडन की प्रेम कहानी को इस फिल्म के अंदर दर्शाया गया है वाकई ये चीज़ पुरानी तो है लेकिन आपको देखने में ज़रूर मज़ा आएगा क्योंकि गुड़छट्टी की कहानी कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है दोस्तों लंबे समय के बाद संजय दत्त और रवीना टंडन को दर्शक फिर से रोमांस करते देख सकेंगे इस स्क्रीन पे लेकिन इस बार रोमांस में थोड़ा सा बिलन कोई और नहीं बल्कि इनके बच्चे बनेंगे क्योंकि इनके बच्चों का भी आपस में रोमांस यहाँ पे परवान चढ़ रहा होता है और ऐसे ही जो है उलझी हुई रोमांटिक कॉमेडी लेकर आ गए हैं विनायक गांधी जिनके निर्देशन में बनी फिल्म जो यहाँ पे गुड़चड्डी नौ अगस्त को जियो सिनेमा पर रिलीज़ हो चुकी है वो दोस्तों बता दें यहाँ पे बीर शर्मा संजय दत्त के बेटे चिराग शर्मा पार्थ यानी कि समथाना का प्यार मेन का अरवीना टंडन की बेटी देविका यानी कि खुशहाली कुमार के साथ जो है परवान चल रहा होता है लेकिन इसी ही दौरान संजय दत्त की मुलाकात रवीना टंडन से होती है और एक अर्से पहले जो है दबे उनके अरमान फिर से झाकना स्टार्ट हो जाता है और उनकी प्रेम कथा शादी तक पहुंचने लग जाती है अब दोस्तों क्या है? इनके बच्चे इनकी शादी में रोडा बनेंगे या फिर दोनों दोनों अपने बच्चों की शादी में जो है रोड बनेंगे इन सब सवालों के जवाब जो है आपको ये फिल्म देखकर ही मिलेगी ये मालूम होगा जो कि फ़िल्म में दो जो है पीढ़ियों का प्यार को मज़ेदार अंदाज में दिखाया गया है और इस रोमांटिक कहानी में कॉमेडी का भी तर्क़ा आपको देखने को मिल जाता है संजय दत्त ने हमेशा की तरह अच्छी एक्टिंग की है उन्होंने अपने किरदार के, के साथ पूरा न्याय किया है उनकी फिल्म के अंदर जो है शख्सियत का रुआब फिल्म में पूरी तरह से झलकता है जो कि रवीना टंडन फिल्म में एक एक यहाँ पे फ्रेशनेस लेकर आती है और उन पर जो है उम्र का कोई भी प्रभाव नहीं झलकता उन्होंने अपना जो है चुलबुलापन बरकरार रखा है और पार्थ यानी कि समथान ने भी अच्छा अभिनय किया है और अपना शो जो है फीसदी इस फिल्म में दी है इससे पहले भी दोस्तों वह कई जो है टी कर चुकी है और अब उनकी एक्टिंग में गंभीरता साफ दिखी जा सकती है फिल्म में जो कि दोस्तों यहाँ पे खुशहाली कुमार उनके अलावा खुशाली कुमार जो है देखने में सुंदर लगती है और उन्होंने अच्छा अभिनय किया है जो कि फिल्म में दोस्तों अरुणा ईरानी ने भी काल्याणी देवी का शानदार किरदार इस फिल्म में प्ले किया है वहीं दोस्तों डायरेक्शन के बारे में हम बात कर ले तो विनायके गांधी का निर्देशन काफ़ी सदा हुआ है फिल्म में उन्होंने कहीं भी और कहानी को निराश नहीं पढ़ने दिया है और दर्शक फिल्म देखकर कर खुश मिजाजी का एहसास भी कर सकते हैं वहीं दोस्तों उन्होंने इस फिल्म के अंदर जो है एक्टर्स का चयन बड़ी जो है सावधानी से की है और अपने इस प्रयास में वह पूरी तरह से सफल हुए हैं फिल्म के तकनीकी पक्ष में भी दोस्तों फोटोग्राफी स्क्रीन प्ले और फिर एडिटिंग आदि उत्तम दर्जे की रखी गई है जो कि संच शेप में कहा जा सकता है कि फिल्म में वह सब कुछ एलिमेटेड के तरह तैयार किया गया है जो कि इसे एक पारिवारिक रोमांटिक कॉमेडी बनाता है वहीं दोस्तों फिल्म में संगीत यानी कि तनिक्ष बागची का रखा गया है क्योंकि फिल्म के अंदर जो सुखवीरन सुखवीर ने सुखवीर ने दिया है और यहाँ पे गीत भी जो है तनिक्ष बागची और फिर जो है सुखबीर के ही है फिल्म का संगीत मधुर है और इसके गाने जो है चार्ट बास्टर पर धूम मचा रहे हैं फिल्म में दो गाने हैं और दोनों ही पंजाबी भाषा में ही बनाया गया है दिल वजदा और फिर पंजाबी मुंडे पौन यानी कि भंगड़ा दोनों ही गाने जो है मज़ेदार है आपको देखने में ये गाने अच्छे ज़रूर लग सकते हैं तो दोस्तों गुड़ छड्डी एक अच्छी प्रेम कहानी वाली फिल्म है जो कि आपको एक बार जरूर देखना चाहिए आइए दोस्तों अब बात करते हैं फ़िल्म में नज़र आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में कि इस फिल्म में मुख्य स्टार कास्ट को कितने रुपये दिए गए हैं फिल्म में अभिनय करने के लिए ताकि दोस्तों आप लोग को भी पता चल जाए कि गुड़ छड्डी फ़िल्म की कहानी में क्या परफॉर्मेंस है क्या दम है संजय दत्त इसमें नज़र आए हैं रवीना टंडन उनके अलावा दोस्तों पार्थ समथान उनके अलावा खुशहाली कुमार फिल्म में अभिनय किए हैं तो आइए दोस्तों हम बात करते हैं रवीना टंडन के बारे में सबसे पहले जिन्होंने इस फिल्म में एक बार फिर से अभिनय करके अपनी जवानी अपने हुस्न का जलवा दिखाने की कोशिश की है इनके ऊपर उम्र का कोई भी असर नहीं पड़ा है ऐसा दर्शक का मानना है तो दोस्तों अगर आपको भी लगता है कि हाँ रवीना टंडन आज भी उन्नीस सौ नब्बे के दशक जैसी ही दिखती है फिल्मों में अगर आप इस बात से सहमत हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों सबसे पहले टंडन ने पत्थर के फूल फिल्म उन्नीस सौ इक्यानवे में इस फिल्म में काम करके इन्होंने डेब्यू किया था जो कि दोस्तों हिट रही थी और उन्हें अपने प्रदर्शन के लिए लक्ष्य न्यू फेस ऑफ द ईयर का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला था इस फिल्म के परिणाम स्वरूप उनके फिल्मी करियर में एक बड़ी सफलता मिली और मुख्य रूप से उन्हें जो है रातों रात स्टार के रूप में स्थापित किया गया था वहीं सन उन्नीस साथ जीना मरना तेरे संग में अभिनय किया था और ये फिल्म साल की उनकी एकमात्र रिलीज फिल्म थी और माध्यम सफलता साबित हुई वहीं सन उन्नीस में टोंडोन की सात फिल्में रिलीज हुई जो कि छात्रिया और दिव्या शक्ति जैसे जो है नाटक माध्यम सफलताएं फिल्में थी उस वर्ष उन्होंने अपनी तेलुगु मा की पहली फिल्म जो है बंगारू बुल्लुडू में भी अभिनय किया था जिसे बॉक्स ऑफिस पर हिट के रूप में दर्जा मिला था सन उन्नीस में रवीना टंडन को 10 फिल्मों में काम करने का सफलता मिली जिनमें जिनमें से दोस्तों आदिकांश सफल रही और चार फिल्में साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से शामिल थी जैसे दोस्तों मोहरा दिलवाले उसके अलावा आतिश और फिर जो है लाडला इसके अलावा दोस्तों मोहरा फिल्म के गाने जो है तो चीज बड़ी है मस्त मस्त में उनके प्रदर्शन के बाद उन्हें मस्त मस्त गर्ल नाम भी मिल गया था जो कि दोस्तों लाडला ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया वहीं उस वर्ष उनकी अन्य रिलीज में सनी देओल सैफ अली खान के साथ थ्रिलर मूवी इम्तिहान मूवी थी जो कि और एक कल्ट कॉमेडी अंदाज अपना अपना में इन्होंने फिर से सलमान खान और फिर आमिर खान के साथ काम की थी जो कि दोस्तों रिलीज होने के बाद बॉक्स ऑफिस पर एक सेमी हिट रही थी लेकिन दोस्तों एक बड़ी व्यावसायिक सफलता बाद में साबित हुई वही वही दोस्तों वर्ष की उनकी एक और रिलीज मूवी जो है जमाने से क्या डरना यहां पे टिकट जो है खिड़की पर जो है लाभदायक रही और एक माध्यम सफलता के रूप में ये फिल्म उभरी थी सन उन्नीस में रवीना टंडन ने शाहरुख खान के साथ पहली बार जो है जमाना दीवाना में अभिनय किया दोस्तों फिल्म अच्छा प्रदर्शन करने में सफल रही लेकिन खिलाड़ियों का खिलाड़ी उन्नीस और फिर जो है जिद्दी उन्नीस सनी देओल के साथ जैसी हिट फिल्मों के साथ उनका करियर वापस पटरी पर आ गया था जो कि दोस्तों उस साल की ब्लॉकबस्टर हिट बन गई और सलाकी फिल्म 1998 में रिलीज हुई थी जो कि उन्हें जो है गुलामे मुस्तफा में उनके प्रदर्शन के लिए भी प्रशंसाएं दी गई सन 1998 में रवीना टंडन ने दो समीक्षकों और व्यवसायिक रूप से सफल प्रस्तुतियों द्वितीय जो है दुल्हे राजा और बड़े मियां छोटे मियां में इन, इन्होंने काम किया था बड़े मियाँ छोटे मियाँ में दिखाई देकर एक अग्रणी महिला के रूप में अपनी उपस्थिति को मजबूत किया और दोनों ही साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म में से साबित हुई उस वर्ष की उनकी अंतिम रिलीज मूवी बड़े मियाँ छोटे मियाँ जिसमें दोस्तों अमिताभ बच्चन और गोविंदा सह कलाकार थे इनके साथ साल की दूसरी सबसे बड़ी हिट साबित हुई रवीना टंडन को कुछ कुछ होता है में दूसरी लीड की भूमिका पेशकश की गई थी जो कि उन्नीस सौ अंठानवे की सबसे बड़ी हिट रही लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया उस वर्ष दोस्तों कि अन्य रिलीज मूवी घर वाली बाहर वाली थी जो कि दोस्तों विनाशक द यानी कि डिस्ट्रॉयल और फिर जो है परदेसी बाबू इसके अलावा आंटी नंबर वन फिल्म थी जिनमें से दोस्तों कुछ माध्यम आलोचनात्मक और कुछ व्यवसायिक सफलताएं फिल्म रही थी सन 1999 में रवीना टंडन ने उपेंद्र के साथ उनकी सौ शीर्षक कॉर्नॉड मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म में काम किया दोस्तों उपेंद्र में अभिनय किया जो कि बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी जो कि दोस्तों उन्होंने अनारी नंबर वन में भी अभिनय किया जो एक आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता फिल्म थी वहीं दोस्तों सोल में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें आलोचकों से भी प्रशंसाएं देखने को मिली थी 2000 के दशक में रवीना टंडन ने अभिनय किया था यथार्थवादी जो है तरीका सीखने के लिए आर्ट हाउस प्रोडक्शंस में कदम रखा और कई मुख्य धारा की फिल्मों के प्रस्ताव को ठुकरा दिए रवीना टंडन ने बुलंदी 2000 के दशक में और अक्ष मूवी 2001 जैसी फिल्मों में काम किया जिसके लिए उन्हें आलोचकों की प्रशंसा मिली उन्होंने राकेश ओम प्रकाश मेहरा की अक्ष में अपने अभिनय के लिए फिल्मफेयर स्पेशल जो है परफॉर्मेंस के लिए अवार्ड के साथ साथ जो है कई पुरस्कार जीते किए थे वहीं दोस्तों इंडस्ट्री में उनके कई साल तक कई साल जो है तब यानी कि रंग लाए जब उन्होंने जो है कल्पना कल्पना लाजमी की फिल्म जो है दमन ए दमन ए विक्टम ऑफ द मैरिटल और फिर जो है वायलेंस 2001 में अपने अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का प्रतिष्ठित राष्ट्रीय फिल्म फिल्मफेयर पुरस्कार जीता जिनमें दोस्तों उन्होंने एक अपमानजनक पति की और एक प्रीत जो है पत्नी की भूमिका इस फिल्म के अंदर निभाई थी उन्होंने फिल्में अपने प्रदर्शन से आलोचकों और दर्शकों को चौंका दिया और अपने काम के लिए सराहना प्राप्त की आलोचक तरन आदर्श ने कहा था रवीना टंडन एक पीड़ित पत्नी की भूमिका को विश्वास ने प्रदान करवाती है जो कि दोस्तों सम्मान के साथ आगे बढ़ती है वह अपने भावों के माध्यम से जो करुणा व्यक्त करती है उससे आपको एहसास होता है कि वह एक बेहतरीन कलाकार है तब से उन्होंने कई समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्मों में अभिनय किया है जैसे कि सत्ता 2003 वाली और दोबारा 2004 दो वाली लेकिन बॉक्स ऑफिस पर ज़्यादा सफल नहीं मिली ज़्यादा सफलता इस फिल्म को नहीं मिली पूर्वा में राजनीति की दुनिया में धकेल दी गई जो कि माध्यम वर्गीय महिला के रूप में उनकी भूमिका की प्रशंसा की गई थी आलोचक तरन आदर्श ने लिखा है रवीना टंडन ने शानदार प्रदर्शन किया है फिल्म में और अभिनेत्री एक कलाकार के रूप में बड़ी जो है छलांग लगाती है अपने किरदार को सही स्पर्श देती है और ये एक ऐसा प्रदर्शन है जिस पर दोस्तों ध्यान दिया जाना तय होना चाहिए था इसी के साथ दोस्तों दोबारा में एक यहाँ पे सीजो फ्रेनिक के रूप में उनकी भूमिका की भी प्रशंसा की गई एक आलोचक ने कहा रवीना टंडन अपने किरदार के साथ जो है तालमेल बिठाती है अपने हिस्से को पूरे जो है उत्साह के साथ निभाती भी है जो कि सताईस यानी कि रवीना टंडन ने यहाँ पे असहारा वन टेलीविजन श्रृंखला शाही शाही बीबी गुलाम में भी काम किया था उस वक्त वही दोस्तों साल 2006 में उनकी एकमात्र रिलीज मूवी थी जिसका नाम था तो सैंडविच इस फिल्म का नाम सैंडविच रखा गया था जिसे खराब समीक्षा और स्वागत मिला कई फिल्में करने के बाद उन्होंने फिल्मों में सक्रिय रूप से जो है दिखने से ब्रेक ले लिया साल 2014 में उन्होंने महेश भट्ट और फिर जो है राज नायक के साथ जो है सी एन बी सी टी वी एटीन पर सी ई एस गोड टैलेंट के सीजन वन को जज किया 2015 में उन्होंने लंबे समय के दोस्त अरुणा अरुण अरुण अनुराग कैश्यप की महान कीर्ति जो है बम्बे बम्बे वेल वेट से बॉलीवुड में वापसी की जो कि एक कामुक यहाँ पे जज गायिका की भूमिका निभाते हुए उनके संक्षिप्त प्रदर्शन के आलोचकों द्वारा बहुत ज़्यादा प्रशंसा की गई थी 2017 में उन्हें थ्रिलर फिल्म मात्र में देखा गया था जिसमें दोस्तों उन्होंने एक मां की भूमिका निभाई जो कि अपनी बेटी के बलात्कार का बदला लेना चाहती है और उनके अभिनय की सराहना की गई उस वक्त और उन्हें अपने प्रदर्शन के लिए आलोक चौकी की प्रशंसा मिली थी लेकिन वर्ष की उनकी अगली रिलीज मूवी जो है ओनिर की शार्प फिल्म थी जिसमें उन्होंने एक सोशल एक सोशल एक सोशल लाइट की भूमिका फिल्म में निभाई थी इसी के साथ दोस्तों दो में रवीना टंडन ने नेटफ्लिक्स क्राइम थ्रिलर जो है वेब सीरीज यानी कि अरनायक के साथ अपना ओ डेब्यू किया और अपने प्रदर्शन के लिए सकारात्मक समीक्षा इन्होंने प्राप्त की थी उस वक्त दो में भी रवीना टंडन ने के अध्याय टू में एक महत्वपूर्ण भूमिका में दिखाई दी जो कि अब तक की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है रवीना टंडन संजय दत्त के साथ है विनायक गांधी की रोमांटिक कॉमेडी जो है फिल्म गुड छंडी में दिखाई दी है जो कि दोस्तों इस फिल्म को 2024 में रिलीज किया गया है जियो पर रवीना टंडन 2003 से भारतीय बाल फिल्म सोसाइटी की अध्यक्ष थी लेकिन 2004 हज़ार चार से अभिनेत्री को शिकायतें मिलने लगी कि वह जो संगठन की बैठकों में शामिल नहीं होती है और वह सोसाइटी द्वारा जो स्थापित जो गतिविधियों में शामिल नहीं हो पाती है सितंबर 2005 में रवीना टंडन ने जो है व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया नवंबर 2005 में रवीना टंडन ने शादी जो है शादी डॉट कॉम और फिर जो है यानी कि शादी टाइम्स डॉट कॉम वेबसाइट पर जो है मुकदमा दायर किया जिसमें दावा किया गया था कि वह जो है साइट को बढ़ावा देने के लिए उनकी अंधेती उनकी अधिकृत जो है तस्वीरों का इस्तेमाल कर रहे थे और उन्होंने सत्यनेट यानी कि सत्यन के सलीउंस के मालिक पर भी मुकदमा दायर किया था क्योंकि उन्होंने दावा किया था कि रवीना टंडन और उनके पति की मुलाकात वेबसाइट के जरिए हुई थी उन्होंने बताया था ये झूठी बातें रही थी और ऐसी बातें फैलाई जा रही थी नवंबर 2002 में रवीना टंडन ने पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ यानी कि एनी का समर्थन करने के लिए गाना गाया था और उन्होंने जॉन अब्राहम शिल्पा शेट्टी और अमीषा पटेल जैसे जो है लोगों के साथ कई विज्ञापन कई विज्ञापन अभियानों में काम किया है और गायों की खाल के लिए वध किए जाने के मुद्दे पर उन्होंने कहा था कि भ्रष्ट खाल और फिर जो है मांस व्यापारियों के हाथों उनका दुरुपयोग जो है रोका जाना चाहिए इस तरह से 2023 में रवीना टंडन जो है मनोरंजन जो उद्योग से पहली जो व्यक्ति बनी जिन्हें दोस्तों जी ट्वेंटी नई दिल्ली शिखर यानी कि इसके अलावा जो है सम्मेलन में महिला जो है शक्तिशाली शक्तिकरण जो है स्वाभाविक विंग दो में एक प्रतिनिधि के रूप में इनको चुना गया था रवीना टंडन ने उन्नीस में सिंगल मदर के तौर पर पूजा और छाया नामक दो लड़कियों को गोद लिया था जब वह जो है क्रोमस 11 और 8 साल की थी तभी इन्होंने गोद ले लिया था नब्बे के दशक के आखिर में रवीना टंडन अभिनेता अक्षय कुमार को डेट कर रही थी और उन्होंने उन्हें अपना बॉयफ्रेंड घोषित कर दिया था हालांकि उनकी सगाई हो चुकी थी लेकिन बाद में अलग हो गए रवीना टंडन ने अपनी फिल्म इस फिल्म जो इस दो के, के फिल्म इस जो जो है यानी कि के 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 निर्माण दौरान अनिल थडानी को डेट करना किया और नवम्बर दो हजार तीन में उनकी सगाई की घोषणा की गई और उन्होंने बाईस फरवरी दो को जग मंदिर पैलेस पर जाकर शादी कर ली तो दोस्तों यह है इनकी फिल्मी करियर लाइफस्टाइल जो कि मैंने इसी वीडियो में एक ही साथ इस मूवीज को रिव्यू करते हुए गुड छठी फिल्म को रिव्यू करते हुए मैंने आपको बता दिया तो दोस्तों अगर आप लोग को आज का रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा तो दोस्तों मैं मिलता हूं आप लोगों से एक और नई वीडियो में तब तक लिए टिल एंड सी सून हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू बैक माई यूट्यूब चैनल दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ए के मूवी फेक्ट पर दोस्तों आप सब कैसे हैं उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस मूवी के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है गुड छड्डी तो दोस्तों ये फिल्म कौन सी है और आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलेगा इसकी पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं और साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के बारे में जी हाँ दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गुड छड्डी फिल्म को बनाने में कितना रुपया खर्च हुआ है इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म ने अभी तक कितनी कमाई कर ली है बॉक्स इस ऑफिस पर इसकी भी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं साथ ही साथ दोस्तों इस फिल्म की कहानी कैसी है और इस फिल्म को देखना चाहिए या फिर नहीं देखना चाहिए इसकी भी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देंगे तो दोस्तों अगर आप लोग संजय दत्त के फैन हो और गुड छट्टी फिल्म को यूरोप पर हिंदी में देखना चाहते हो तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है तो चलिए दोस्तों बिना किसी देर के आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट

फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में हम बात करें तो दोस्तों फिल्म में इस फिल्म को, नौ दो को रिलीज किया गया है वही इस फिल्म की रोन टाइम के बारे में हम बात करें तो ये फिल्म एक मिनट की बनाई गई है वही दोस्तों बता दें इस फिल्म का उत्पादन जो है फिल्म की घोषणा फरवरी दो के माध्यम में की गई थी और मुख्य फोटोग्राफी दो हजार को शुरू हुई जहां पे फिल्मांकन गुरुग्राम नई दिल्ली और में इसका हुआ है। 2022 में समाप्त हो चुका था के तरफ से वर्मा ने इस फिल्म को पाँच में से सिर्फ फाइव स्टार दिया है उसके अलावा दोस्तों ओडिटिंग प्लेटफॉर्म के तरफ से निराली कान ने इस फिल्म को फाइव में से टू स्टार दिया है इनके अलावा की तरफ से धवल राय ने भी फिल्म को फाइव में से फाइव स्टार दिया है लेकिन दोस्तों अगर आप लोग आप लोग इस फिल्म को देख चुके हो तो आप इस मूवी को कितना रिव्यू रेटिंग देना चाहते हो आप मुझे नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों आप लोग को बताया हमारे YouTube चैनल पे आपको सिर्फ मूवी रिव्यू मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट ही देखने को मिलता है इस वीडियो में हम गुड छठी फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं तो दोस्तों फिल्म की कहानी कैसी है क्या फिल्म को देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए ये ये सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हुए हैं तो इस वीडियो में आप लोग विस्तार से एंड तक ज़रूर बन रहिएगा क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम एक एक चीज़ के बारे में बताएंगे फिल्म को कहाँ पर शूट किया गया है कौन से स्टार स्टारकास्ट को तो कितना रुपया दिया गया इस फिल्म में काम करने के लिए इसकी भी जानकारी इस वीडियो में हम आपको डेफिनेटली देने वाले हैं अगर बात करें फिल्म की कहानी के बारे में तो दोस्तों फिल्म में दिखाया गया फिल्म दो प्रेम कहानियों के इर्द-गिर्द घूमती है एक युवा जोड़े के बीच और फिर दूसरी उनके संबंधित जो है विधवा माता-पिता जो कि पूर्व प्रेमी भी है और शादी के बंधन में बंधने का सपना देख रहे हैं हालांकि परिवार के रोधीवादी जो है महिला दोनों जोड़ों के अंतर जो है सामुदायिक और फिर संबंधों और फिर सौतेले भाई बहनों के पति पत्नी के रूप में होने की संभावना के खिलाफ एक सुखद अंत पाएंगे या नहीं ये बाकी कहानी में देखने को मिलेगा समीक्षक ने बताया है कि निर्देशक बिनाय के बिनाय के गांधी की फिल्म एक रोमांटिक ड्रामा प्रेम कहानियों और फिर पारिवारिक जो है गतिशीलताओं को जोड़ती है जो एक परिचित क्षेत्र को दर्शाती है ये फिल्म कहानी और चरित्र चीत से लेकर यहाँ पे संघर्ष और फिर जो है समाधान तक कथा अनुमानित रहती है वहीं दोस्तों बता दें चिराग पार्थ उनके अलावा समथान और फिर उसकी प्रेम उसकी प्रेमिका देविका खुशाली कुमार के साथ जो है संबंधित माता पिता और फिर कर्नल जो है बीर शर्मा संजय दत्त इस किरदार को प्ले किए हैं वहीं दोस्तों फिल्म के मुख्य संघर्ष के बारे में बात की जाए तो मुख्य संघर्ष अंतर यहाँ पे समुदाय रोमांस और फिर जो है अपरम्परागत पारिवारिक गतिशीलता और इसके अलावा जो सुविधाजनक जो है कथानक मोड़ के माध्यम से ही हल किए गए हैं जो दूर की यहाँ पे कौडी लगाया जाता है जब वीर यहाँ पे मेनका को अपनी होने वाली पत्नी के रूप में घर लेकर

जो कि दोस्तों फिल्म सामाजिक और फिर जो है मानदंडों से प्रेम और फिर जो है प्रेरित प्रेम जो है जैसा है क्योंकि यहाँ पे प्रगतिशील विचारों को तलाशने का भी यहाँ पे प्रयास किया गया है लेकिन दोस्तों दृष्टिकोण रोधी रोधियों पर निर्भर करता है जिससे दोस्तों प्रभाव कम हो जाता है इस फिल्म का वही दोस्तों आगे कहानी में विरणा के गांधी इसमें पहली बार जो है फीचर फिल्म निर्देशक के रूप में उम्मीद जगाए हैं लोगों में क्योंकि फिल्म अधिकांश भाग में एक समान गति से आगे बढ़ती है हालांकि उनके निर्देशकों ने अधिक जो है आकर्षक कहानी और फिर अधिक सघन अधिक सूक्ष्म और इसके अलावा पदकथा और स्क्रीन प्ले से लाभ मिल सकता था उनको और भी ज़्यादा अगर और थोड़ा सा मेहनत किया गया होता फिल्म की कहानी के ऊपर तो खुशाली कुमार और फिर पार्थिव समधाना का अभिनय ठीक ठाक है फिल्म में हालांकि दोनों के बीच एक स्वाभाविक केमिस्ट्री भी है रवीना टंडन और फिर संजय दत्त ने सराहनीय अभिनय किया है जबकि अरुणा ईरानी का एक प्यार करने वाले लेकिन यहाँ पे सख्त यहाँ पे आपको बता दें सख्त यहाँ पे मात्र सत्तात्मक महिला का चित्रण जो है यहाँ पे अतिश व्यक्तिपूर्ण लगता है हालांकि देखने में अच्छी है लेकिन यहाँ पे गुड छठी चड़, गुड छट्डी एक मनोरंजन फिल्म के रूप में कमजोर है जो कहानी पूर्वानुमानित मोर के साथ सामने आती है फिल्म की जो दर्शकों को मजबूत भावनात्मक संबंध बनाने से रोकती है और ये फिल्म शायद दर्शकों को कुछ नया या फिर जो है मार्मिक तलाशने मार्मिक जो है तलाशने के लिए प्रेरित भी करती है तो इस तरह का रिव्यूअर्स ने रिव्यू दिया है अगर आप लोग गुड गुड छठी फिल्म को देख चुके हैं पहले ही तो आप इस फिल्म को कितना रिव्यू रेटिंग देना चाहते हो आप अपना राय मुझे नीचे कॉमेंट करके बता सकते हो दोस्तों आप लोग को पता है जितने भी लोग मुझे कमेंट करके कोई भी चीज़ पूछते हैं तो मैं उनका जवाब डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में जाकर देता हूं तो आप लोग कमेंट करना मत भूलिएगा क्योंकि आप लोग को पता है मैं हर चीज़ आप लोग को कमेंट में बता सकता हूं जो भी आप लोग पूछते हैं उसका जवाब मैं सीधे कमेंट पर ही दे देता हूं तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं गुड़ छट्डी फिल्म के बारे में जो कि एक अच्छी प्रेम कहानी वाली फिल्म है जिसमें रवीना टंडन और संजय दत्त ने अभिनय किया है तो दोस्तों ये फिल्म एक प्रेम कहानी के ऊपर बेस्ड है लेकिन फिल्म की कहानी में काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल होती है एक विधवा बाप जो दोबारा से शादी करना चाहते संजय दत्त और रवीना टंडन की प्रेम कहानी को इस फिल्म के अंदर दर्शाया गया है वाकई ये चीज़ पुरानी तो है लेकिन आपको देखने में ज़रूर मज़ा आएगा क्योंकि गुड़छट्टी की कहानी कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है दोस्तों लंबे समय के बाद संजय दत्त और रवीना टंडन को दर्शक फिर से रोमांस करते देख सकेंगे इस स्क्रीन पे लेकिन इस बार रोमांस में थोड़ा सा विलेन कोई और नहीं बल्कि इनके बच्चे बनेंगे क्योंकि इनके बच्चों का भी आपस में रोमांस यहाँ परवान चल रहा होता है और ऐसे ही जो है उलझी हुई रोमांटिक कॉमेडी लेकर आ गए हैं बिनाय के गांधी जिनके निर्देशन में बनी फिल्म जो यहाँ पे गुड चड्डी नौ अगस्त को जियो सिनेमा पर रिलीज हो चुकी है वो दोस्तों बता दें यहाँ पे बीर शर्मा संजय दत्त के बेटे चिराग शर्मा पार्थ यानी कि समथाना का प्यार मेन का अरविना टंडन की बेटी दीपिका यानी कि खुशहाली कुमार के साथ जो है परवान चल रहा होता है लेकिन इसी ही दौरान संजय दत्त की मुलाकात रवीना टंडन से होती है और एक अर्से पहले जो है दबे उनके अरमान फिर से जागना स्टार्ट हो जाता है और उनकी प्रेम कथा शादी तक पहुंचने लग जाती है अब दोस्तों क्या इनके बच्चे इनकी शादी में रोडा बनेंगे या फिर दोनों दोनों अपने बच्चों की शादी में जो है रोड बनेंगे इन सब सवालों के जवाब जो है आपको ये फिल्म देख ही मिलेगी मालूम होगा जो कि फिल्म में दो जो है पीढ़ियों का प्यार को मज़ेदार अंदाज में दिखाया गया है और इस रोमांटिक कहानी में कॉमेडी का भी तड़का आपको देखने को मिल जाता है संजय दत्त ने हमेशा की तरह अच्छी एक्टिंग की है उन्होंने अपने किरदार के साथ पूरा न्याय किया है उनकी फिल्म के अंदर जो है शख्सियत का रुआब फिल्म में पूरी तरह से झलकता है जो कि रवीना टंडन फिल्म में एक एक यहाँ पे फ्रेशनेस लेकर आती है और उन पर जो है उम्र का कोई भी प्रभाव नहीं झलकता उन्होंने अपना जो है चुलबुलापन बरकरार रखा है और पार्थ यानी कि समथान ने भी अच्छा अभिनय किया है और अपना शो जो है फीसदी इस फिल्म में दी है इससे पहले भी दोस्तों वह कई जो है टी शो कर चुकी हैं और अब उनकी एक्टिंग में गंभीरता साफ दिखी जा सकती है फिल्म में जो कि दोस्तों यहाँ पे खुशहाली कुमार उनके अलावा खुशहाली कुमार जो है देखने में सुंदर लगती है और उन्होंने अच्छा अभिनय किया है जो कि फ़िल्म में दोस्तों अरुणा ईरानी ने भी काल्याणी देवी का शानदार किरदार इस फिल्म में प्ले किया है वहीं दोस्तों डायरेक्शन के बारे में हम बात कर ले तो विनायक गांधी का निर्देशन काफ़ी सदा हुआ है फिल्म में उन्होंने कहीं भी और कहानी को निराश नहीं पढ़ने दिया है और दर्शक फिल्म देखकर कर खुश मिजाजी का एहसास भी कर सकते हैं वहीं दोस्तों उन्होंने इस फिल्म के अंदर जो है एक्टर्स का चयन बड़ी जो है सावधानी से की है और अपने इस प्रयास में वह पूरी तरह से सफल हुए हैं फिल्म के तकनीकी पक्ष में भी दोस्तों फोटोग्राफी स्क्रीन प्ले और फिर एडिटिंग आदि उत्तम दर्जे की रखी गई है जो कि संच में कहा जा सकता है कि फिल्म में वह सब कुछ एलिमेटेड के तरह तैयार किया गया है जो कि इसे एक पारिवारिक रोमांटिक कॉमेडी बनाता है वहीं दोस्तों फिल्म में संगीत यानी कि तनिक्ष बागची का रखा गया है क्योंकि फिल्म के अंदर जो सुखवीरन सुखवीर ने सुखवीर ने दिया है और यहाँ पे गीत भी जो है तनिक्ष बागची और फिर जो है सुखवीर के ही है फिल्म का संगीत मधुर है और इसके गाने जो है चार्टास्टर पर धूम मचा रहे हैं फिल्म में दो गाने हैं और दोनों ही पंजाबी भाषा में ही बनाया गया है दिल वजदा और फिर पंजाबी मुंडे पौन यानी कि भंगड़ा दोनों ही गाने जो है मज़ेदार है आपको देखने में ये गाने अच्छे जरूर लग सकते हैं तो दोस्तों गुड़ छड्डी एक अच्छी प्रेम कहानी वाली फिल्म है जो कि आपको एक बार ज़रूर देखना चाहिए आइए दोस्तों अब बात करते हैं फिल्म में नज़र आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में कि इस फिल्म में मुख्य स्टार कास्ट को कितने रुपए दिए गए हैं फिल्म में अभिनय करने के लिए ताकि दोस्तों आप लोग को भी पता चल जाए कि गुड़ छड्डी फिल्म की कहानी में क्या परफॉर्मेंस है क्या दम है संजय दत्त इसमें नज़र आए हैं रबीना टंडन उनके अलावा दोस्तों पार्थ समथान उनके अलावा खुशहाली कुमार फिल्म में अभिनय किए हैं तो आइए दोस्तों हम बात करते हैं रबीना टंडन के बारे में सबसे पहले जिन्होंने इस फिल्म में एक बार फिर से अभिनय करके अपनी जवानी अपनी हुस्न का जलवा दिखाने की कोशिश की है इनके ऊपर उम्र का कोई भी असर नहीं पड़ा है ऐसा दर्शक का मानना है तो दोस्तों अगर आपको भी लगता है कि हाँ रवीना टंडन आज भी उन्नीस सौ नब्बे के दशक जैसी ही दिखती है फिल्मों में अगर आप इस बात से सहमत हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों सबसे पहले टंडन ने पत्थर के फूल फिल्म उन्नीस सौ इक्यानवे में इस फिल्म में काम करके इन्होंने डेब्यू किया था जो कि दोस्तों हिट रही थी और उन्हें अपने प्रदर्शन के लिए लक्ष्य न्यू फेस ऑफ द ईयर का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला था इस फिल्म के परिणाम स्वरूप उनके फिल्मी करियर में एक बड़ी सफलता मिली और मुख्य रूप से रातों रात वही सन उन्नीस सौ बानवे में उन्होंने संजय दत्त के साथ जीना मरना तेरे संग में अभिनय किया था और ये फिल्म साल की उनकी एकमात्र रिलीज फिल्म थी और माध्यम सफलता साबित हुई वहीं सन उन्नीस में टॉनडॉन की सात फिल्म रिलीज हुई जो कि छात्रिया और दिव्या शक्ति जैसे जो है नाटक माध्यम सफलताएं फिल्में थी उस वर्ष उन्होंने अपनी तेलुगु सिनेमा की पहली फिल्म जो है बंगारू बुल्लुडू में भी अभिनय किया था जिसे बॉक्स ऑफिस पर हिट के रूप में दर्जा मिला था सन उन्नीस सौ चौरानवे में रवीना टंडन को दस फिल्मों में काम करने का सफलता मिली जिनमें जिनमें से दोस्तों आदिकांश सफल रही और चार फिल्में साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से शामिल थी जैसे दोस्तों मोहरा दिलवाले उसके अलावा आतिश और फिर जो है लाडला इसके अलावा दोस्तों मोहरा फिल्म के गाने जो है तो चीज बड़ी है मस्त मस्त में उनके प्रदर्शन के बाद उन्हें मस्त मस्त गर्ल नाम भी मिल गया था जो कि दोस्तों लाडला ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया वहीं उस वर्ष उनकी अन्य रिलीज में सनी देओल सैफ अली खान के साथ थ्रिलर मूवी इम्तिहान मूवी थी जो कि और एक कल्ट कॉमेडी अंदाज अपना अपना में इन्होंने फिर से सलमान खान और फिर आमिर खान के साथ काम की थी जो कि दोस्तों रिलीज होने के बाद बॉक्स ऑफिस पर एक सेमी हिट रही थी लेकिन दोस्तों एक बड़ी व्यावसायिक सफलता बाद में साबित हुई वही वही दोस्तों वर्ष उनकी एक और रिलीज मूवी जो है, है खिड़की पर रवीना ने शाहरुख खान के साथ पहली बार जो है जमाना में अभिनय किया दोस्तों फिल्म अच्छा प्रदर्शन करने में सफल रही लेकिन खिलाड़ियों का खिलाड़ी उन्नीस और फिर जो है जिद्दी उन्नीस सनी देओल के साथ जैसी हिट फिल्मों के साथ उनका करियर वापस पटरी पर आ गया था जो कि दोस्तों उस साल की ब्लॉक हिट बन गई और सलाखी फिल्म उन्नीस में रिलीज हुई थी जो कि उन्हें जो है गुलाम मुस्तफ़ा में उनके प्रदर्शन के लिए भी प्रशंसाएं दी गई सन उन्नीस में रवीना टंडन ने दो समीक्षकों और व्यावसायिक रूप से सफल प्रस्तुतियों जो है दुल्हे राजा और बड़े मियाँ छोटे मियाँ में इन्होंने काम किया था बड़े मिया छोटे मियाँ में दिखाई देकर एक अग्रणी महिला के रूप में अपनी उपस्थिति को मजबूत किया और दोनों ही साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म में से साबित हुई उस वर्ष की उनकी अंतिम रिलीज मूवी बड़े मिया छोटे मियाँ जिसमें दोस्तों अमिताभ बच्चन और गोविंदा सह कलाकार थे इनके साथ साल की दूसरी सबसे बड़ी हिट साबित हुई रवीना टंडन को कुछ कुछ होता है में दूसरी लीड की भूमिका पेशकश की गई थी जो कि उन्नीस सौ अंठानवे की सबसे बड़ी हिट रही लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया उस वर्ष दोस्तों उनकी अन्य रिलीज मूवी घर वाली बाहर वाली थी जो कि दोस्तों विनाशक द यानी कि और फिर जो है परदेशी बाबू इसके अलावा आंटी नंबर वन फिल्म थी जिनमें से दोस्तों कुछ माध्यम आलोचनात्मक और कुछ व्यवसायिक सफलताएं फिल्म रही थी सन उन्नीस में रवीना टंडन ने उपेंद्र के साथ उनकी सौ शीर्षक कर्नॉड मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म में किया दोस्तों उपेंद्र में अभिनय किया जो कि बॉक्स ऑफिस पर सफल रही थी जो कि दोस्तों उन्होंने अनारी नंबर वन में भी अभिनय किया जो एक आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता फिल्म थी वहीं दोस्तों सोल में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें आलोचकों से भी प्रशंसायद देखने को मिली थी 2000 के दशक में रवीना टंडन ने अभिनय किया था यथार्थवादी जो है तरीका सीखने के लिए आर्ट हाउस प्रोडक्शंस में कदम रखा और कई मुख्य धारा की फिल्मों के प्रस्ताव को ठुकरा दिए रवीना टंडन ने बुलंदी 2000 के दशक में और अक्ष मूवी 2001 जैसी फिल्मों में काम किया जिसके लिए उन्हें आलोचकों की प्रशंसा मिली उन्होंने राकेश ओम प्रकाश मेहरा की अक्ष में अपने अभिनय के लिए फिल्म फेयर स्पेशल जो है परफॉर्मेंस के लिए अवार्ड के साथ साथ जो है कई पुरस्कार जीते वहीं दोस्तों इंडस्ट्री में उनके कई साल तक कई साल जो है तब यानी कि रंग लाए जब उन्होंने जो है कल्पना कल्पना लाजमी की फिल्म जो है दमन ए दमन ए विक्टिम ऑफ द मैरिटल और फिर जो है वायलेंस 2001 में अपने अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का प्रतिष्ठित राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार जीता जिनमें दोस्तों उन्होंने एक अपंग पति की और एक प्रिय जो है पत्नी की भूमिका इस फिल्म के अंदर निभाई थी उन्होंने फिल्में अपने प्रदर्शन से आलोचकों और दर्शकों को चौंका दिया और अपने काम के लिए सराहना प्राप्त की आलोचक तरन आदर्श ने कहा था रवीना टंडन एक ही पीड़ित पत्नी की भूमिका को विश्वास ने प्रदान करवाती है जो कि दोस्तों सम्मान के साथ आगे बढ़ती है वह अपने भावों के माध्यम से जो करुणा व्यक्त करती है उससे आपको एहसास होता है कि वह एक बेहतरीन कलाकार है तब से उन्होंने कई समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्मों में अभिनय किया है जैसे कि दो 2003 वाली और दोबारा 2004 दो वाली लेकिन बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा सफल नहीं मिली ज़्यादा सफलता इस फिल्म को नहीं मिली पूर्वा में राजनीति की दुनिया में धकेल दी गई जो कि माध्यम वर्गीय महिला के रूप में उनकी भूमिका की प्रशंसा की गई थी आलोचक तरन आदर्श ने लिखा है रवीना टंडन ने शानदार प्रदर्शन किया है फिल्म में और अभिनेत्री एक कलाकार के रूप में बड़ी जो है छलांग लगाती है अपने किरदार को सही स्पर्श देती है और ये एक ऐसा प्रदर्शन है जिस पर दोस्तों ध्यान दिया जाना तय होना चाहिए था इसी के साथ दोस्तों दोबारा में एक यहाँ पे सीजो फ्रेनिक के रूप में उनकी भूमिका की भी प्रशंसा की गई एक आलोचक ने कहा रवीना टंडन अपने किरदार के साथ जो है तालमेल बिठाती है अपने हिस्से को पूरे जो है उत्साह के साथ निभाती भी है जो कि सताईस यानी कि रवीना टंडन ने यहाँ पे असहरा वन टेलीविजन श्रृंखला शाही शाही बीबी गुलाम में भी काम किया था उस वक्त वही दोस्तों साल दो में उनकी एकमात्र रिलीज मूवी थी जिसका नाम था तो सैंडविच इस फिल्म का नाम सैंडविच रखा गया था जिसे खराब समीक्षा और स्वागत मिला कई फिल्में करने के बाद उन्होंने फिल्मों में सक्रिय रूप से जो है दिखने से ब्रेक ले लिया साल 2014 में उन्होंने महेश भट्ट और फिर जो है राज नायक के साथ जो है सी एन बी सी टी वी एटीन पर सी ई एस गोड टैलेंट के सीजन वन को जज किया 2015 में उन्होंने लंबे समय के दोस्त अरुणा अनुराग कैशअ्यप की महान कीर्ति जो है बॉम्बे बॉम्बे वेल वेट से बॉलीवुड में वापसी की जो कि एक कामुक यहाँ पे जैज गायिका की भूमिका निभाते हुए उनके संक्षिप्त प्रदर्शन के आलोचकों द्वारा बहुत ज्यादा प्रशंसा की गई थी 2017 में उन्हें थ्रिलर फिल्म मात्र में देखा गया था जिसमें दोस्तों उन्होंने एक मां की भूमिका निभाई जो कि अपनी बेटी के बलात्कार का बदला लेना चाहती है और उनके अभिनय की सराहना की गई उस वक्त और उन्हें अपने प्रदर्शन के लिए आलोचकों की प्रशंसा मिली थी लेकिन वर्ष के उनकी अगली रिलीज मूवी जो है ओनिर की शार्प फिल्म थी जिसमें उन्होंने एक सोशल लाइट एक सोशल एक सोशल लाइट की भूमिका फिल्म में निभाई थी इसी के साथ दोस्तों दो में रवीना टंडन ने नेटफ्लिक्स क्राइम थ्रिलर जो है वेब सीरीज़ यानी कि अरुणायक के साथ अपना ओ डेब्यू किया और अपने प्रदर्शन के लिए सकारात्मक समीक्षा इन्होंने प्राप्त की थी उस वक्त 2022 में भी रवीना टंडन ने के जी अध्याय टू में एक महत्वपूर्ण भूमिका में दिखाई दी जो कि अब तक की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है रवीना टंडन संजय दत्त के साथ विनायक गांधी की रोमांटिक कॉमेडी जो है फिल्म गुड छंडी में दिखाई दी है जो कि दोस्तों इस फिल्म को दो में रिलीज किया गया है जियो पर रवीना टंडन 2003 से भारतीय बाल फिल्म सोसाइटी की अध्यक्ष थी लेकिन 2004 से अभिनेत्री को शिकायतें मिलने लगी कि वह जो संगठन की बैठकों में शामिल नहीं होती है और वह सोसाइटी द्वारा जो स्थापित जो गतिविधियों में शामिल नहीं हो पाती है सितंबर 2005 में रवीना टंडन ने जो है व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया नवंबर 2005 में रवीना टंडन ने शादी जो है शादी डॉट कॉम और फिर जो है यानी कि शादी टाइम्स डॉट कॉम वेबसाइट पर जो है मुकदमा दायर किया जिसमें दावा किया गया था कि वह जो है साइट को बढ़ावा देने के लिए उनकी अंधेटी उनकी अधिकृत जो है तस्वीरों का इस्तेमाल कर रहे थे और उन्होंने सत्यनेट यानी कि ने के सल्यून्स के मालिक पर भी मुकदमा दायर किया था क्योंकि उन्होंने दावा किया था कि रवीना टंडन और उनके पति की मुलाकात वेबसाइट के जरिए हुई थी उन्होंने बताया था ये झूठी बातें रही थी और ऐसी बातें फैलाई जा रही थी नवंबर 2002 में रवीना टंडन ने पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ यानी कि एनी का समर्थन करने के लिए गाना गाया था और उन्होंने जॉन अब्राहम शिल्पा शेट्टी और अमीषा पटेल जैसे जो है लोगों के साथ कई विज्ञापन अभि कई विज्ञापन अभियानों में काम किया है और गायों की खाल के लिए वध किए जाने के मुद्दे पर उन्होंने कहा था कि भ्रष्ट खाल और फिर जो है मांस व्यापारियों के हाथों उनका दुरुपयोग जो है रोका जाना चाहिए इस तरह से 2023 में रवीना टंडन जो है मनोरंजन जो उद्योग से पहली जो व्यक्तित्व बनी जिन्हें दोस्तों जी ट्वेंटी नई दिल्ली शिखर यानी कि इसके अलावा जो है सम्मेलन में महिला जो है शक्तिशाली शक्तिकरण जो है स्वाभाविक विंग दो में एक प्रतिनिधि के रूप में इनको चुनाया गया था रवीना टंडन ने उन्नीस में सिंगल मदर के तौर पर पूजा और छाया नामक दो लड़कियों को गोद लिया था जब वह जो है क्रोमस 11 और 8 साल की थी तभी इन्होंने गोद ले लिया था नब्बे के दशक के आखिर में रवीना टंडन अभिनेता अक्षय कुमार को डेट कर रही थी और उन्होंने उन्हें अपना बॉयफ्रेंड घोषित कर दिया था हालांकि उनकी सगाई हो चुकी थी लेकिन बाद में अलग हो गए रवीना टंडन ने अपनी फिल्म इस फिल्म जो यानी कि एटम्बर दो के निर्माण के दौरान फिल्म जो है बीतर के अनिल थडानी को डेट करना शुरू किया और नवम्बर दो में उनकी सगाई की घोषणा की गई और उन्होंने बाईस फरवरी दो को जग मंदिर पैलेस पर जाकर शादी कर ली तो दोस्तों यह है इनकी फिल्मी करियर लाइफस्टाइल जो कि मैंने इसी वीडियो में एक ही साथ इस मूवीज़ को रिव्यू करते हुए कुछ छठी फिल्म को रिव्यू करते हुए मैंने आपको बता दिया तो दोस्तों अगर आप लोग को आज का रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा तो दोस्तों मैं मिलता हूं आप लोगों से एक और नई वीडियो में तब तक के लिए टिल एंड सी सून हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू बैक माई यूट्यूब चैनल दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ए के मूवी फेक्ट पर दोस्तों आप सब कैसे हैं उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस मूवी के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है गुड छडी तो दोस्तों ये फिल्म कौन सी है और आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलेगा इसकी पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं और साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के बारे में जी हाँ दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गुड छड्डी फिल्म को बनाने में कितना रुपया हुआ है साथ दोस्तों इस फिल्म ने अभी तक कितनी कमाई कर ली है बॉक्स ऑफिस इस पर इसकी भी जानकारी इस इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं साथ साथ ही दोस्तों इस फिल्म की कहानी कैसी है और इस फिल्म को देखना चाहिए या फिर नहीं देखना चाहिए इसकी भी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देंगे तो दोस्तों अगर आप लोग संजय दत्त के फैन हो और गुड छट्टी फिल्म को यूरोप पर हिंदी में देखना चाहते हो तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी किए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट

फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में हम बात करें तो दोस्तों फिल्म में अरुणा ईरानी संजय दत्त उनके अलावा रवीना टंडन उनके अलावा खुशाली कुमार फिल्म में अभिनय करते हुए दिखाई दी है वही दोस्तों बात की जाए गुड फिल्म के रिलीज के रिलीज डेट बारे में तो इस फिल्म को अगस्त को रिलीज किया गया है वही इस फिल्म की रोन टाइम के बारे में हम बात करें तो ये फिल्म एक मिनट की बनाई गई है वही दोस्तों बता दें इस फिल्म का उत्पादन जो है फिल्म की घोषणा फरवरी दो के माध्यम में की गई थी और मुख्य फोटोग्राफी तेईस

टू पॉइंट फाइव स्टार दिया है लेकिन दोस्तों अगर आप लोग आप लोग इस फिल्म को देख चुके हो तो आप इस मूवी को कितना रिव्यू रेटिंग देना चाहते हो आप मुझे नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों आप लोग को बताया है हमारे YouTube चैनल पे आपको सिर्फ मूवी रिव्यू मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट ही देखने को मिलता है इस वीडियो में हम गुड छठी फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं तो दोस्तों फिल्म की कहानी कैसी है क्या फिल्म को देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए ये ये सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हुए हैं तो इस वीडियो में आप लोग विस्तार से एंड तक ज़रूर बने रहिएगा क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम एक एक चीज़ के बारे में बताएंगे फिल्म को कहाँ पर शूट किया गया है कौन से स्टार कास्ट को कितना रुपया दिया गया इस फिल्म में काम करने के लिए इसकी भी जानकारी इस वीडियो में हम आपको डेफिनेटली देने वाले हैं अगर बात करें फिल्म की कहानी के बारे में तो दोस्तों फिल्म में दिखाया गया फिल्म दो प्रेम कहानियों के इर्द गिर्द घूमती है एक युवा जोड़े के बीच और फिर दूसरी उनके संबंधित जो है विधवा माता पिता जो कि पूर्व प्रेमी भी है और शादी के बंधन में बंधने का सपना देख रहे हैं हालांकि परिवार के रोधीवादी जो है महिला दोनों जोड़ों के अंतर जो है सामुदायिक और फिर संबंधों और फिर सौतेले भाई बहनों के पति पत्नी के रूप में होने की संभावना के खिलाफ क्या जोड़े एक सुखद अंत पाएंगे या नहीं ये बाकी कहानी में देखने को मिलेगा समीक्षक ने बताया है कि निर्देशक बिना के बिना के गांधी की फिल्म एक रोमांटिक ड्रामा प्रेम कहानियों और फिर पारिवारिक जो है गतिशीलताओं को जोड़ती है जो एक परिचित क्षेत्र को दर्शाती है ये फिल्म कहानी और चरित्र चित्र से लेकर यहाँ पे संघर्ष और फिर जो समाधान तक कथा अनुमानित रहती है वहीं दोस्तों बता दें चिराग पार्थ उनके अलावा समथान और फिर उसकी प्रेम उसकी प्रेमिका देविका खुशाली कुमार के साथ जो है संबंधित माता पिता और फिर कर्नल जो है बीर शर्मा संजय दत्त इस किरदार को प्ले किए हैं वहीं दोस्तों फिल्म के मुख्य संघर्ष के बारे में बात की जाए तो मुख्य संघर्ष अंतर यहाँ पे समुदाय रोमांस और फिर जो है अपरम्परागत पारिवारिक गतिशीलता और इसके अलावा जो सुविधाजनक जो है कथानक मोड़ के माध्यम से ही हल किए गए हैं जो दूर की यहाँ पे कौडी लगाया जाता है जब भी यहाँ पे मेनका को अपनी होने वाली पत्नी के रूप में घर लेकर आता है तो उससे परेशान होकर उसकी रोधीवादी माँ यहाँ पे यानी ईरानी एक रिश्तेदार के साथ जाने से जाने या फिर जो वरिष्ठ यहाँ पे नागरिकों के एक समूह द्वारा जो है पार्थ को ये बताने के उदाहरण किए जो है यहाँ पे बुढ़ापे में कितना जो अकेलापन होता है ये कहानी में सहज रूप से शामिल नहीं किया गया है जो कि दोस्तों फिल्म सामाजिक और फिर जो है मानदंडों से प्रेम और फिर जो है प्रेरित प्रेम जो है जैसा है क्योंकि यहाँ पे प्रगतिशील विचारों को तलाशने का भी यहाँ पे प्रयास किया गया है लेकिन दोस्तों दृष्टिकोण रोधी रोधियों रूधी पर निर्भर करता है जिससे दोस्तों प्रभाव कम हो जाता है इस फिल्म का वहीं दोस्तों आगे कहानी में बिरना के गांधी इसमें पहली बार जो है फीचर फिल्म निर्देशक के रूप में उम्मीद जगाए हैं लोगों में तो क्योंकि फिल्म अधिकांश भाग में एक समान गति से आगे बढ़ती है हालांकि उनके निर्देशकों ने अधिक जो है आकर्षक कहानी और फिर अधिक सघन अधिक सूक्ष्म और इसके अलावा पथकथा और स्क्रीन प्ले से लाभ मिल सकता था उनको और भी ज़्यादा अगर और थोड़ा सा मेहनत किया गया होता फिल्म की कहानी के ऊपर तो खुशाली कुमार और फिर पार्थ समधाना का अभिनय ठीक ठाक है फिल्म में हालांकि दोनों के बीच एक स्वाभाविक केमिस्ट्री भी है रवीना टंडन और फिर संजय दत्त ने सराहनीय अभिनय किया है जबकि अरुणा ईरानी का एक प्यार करने वाले लेकिन यहाँ पे सख्त यहाँ पे आपको बता दें सख्त यहाँ पे मात्र सत्तात्मक महिला का चित्रण जो है यहाँ पे अतिश व्यक्तिपूर्ण लगता है हालांकि देखने में अच्छी है लेकिन यहाँ पे गुड चड़, गुड छड्डी एक मनोरंजन फिल्म के रूप में कमज़ोर है जो कहानी पूर्वानुमानित मोर के साथ सामने आती है फिल्म की जो दर्शकों को मजबूत भावनात्मक संबंध बनाने से रोकती है और ये फिल्म शायद दर्शकों को कुछ नया या फिर जो है मार्मिक तलाशने मार्मिक जो है तलाशने के लिए प्रेरित भी करती है तो इस तरह का रिव्यूअर्स ने रिव्यू दिया है अगर आप लोग गुड गुड छठी फिल्म को देख चुके हैं पहले ही तो आप इस फिल्म को कितना रिव्यू रेटिंग देना चाहते हो आप अपना राय मुझे नीचे कॉमेंट करके बता सकते हो दोस्तों आप लोग को पता है जितने भी लोग मुझे कमेंट करके कोई भी चीज़ पूछते हैं तो मैं उनका जवाब डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में जाकर देता हूं तो आप लोग कमेंट करना मत भूलिएगा क्योंकि आप लोग को पता है मैं हर चीज़ आप लोग को कमेंट में बता सकता हूं जो भी आप लोग पूछते हैं उसका जवाब मैं सीधे कमेंट पर ही दे देता हूं तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं गुड़ छट्टी फिल्म के बारे में जो कि एक अच्छी प्रेम कहानी वाली फिल्म है जिसमें रवीना टंडन और संजय दत्त ने अभिनय किया है तो दोस्तों ये फिल्म एक प्रेम कहानी के ऊपर बेस्ड है लेकिन फिल्म की कहानी में काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल होती है एक विधवा मां बाप जो दोबारा से शादी करना चाहते हैं संजय दत्त और रवीना टंडन की प्रेम कहानी को इस फिल्म के अंदर दर्शाया गया है वाकई ये चीज़ से पुरानी तो है लेकिन आपको देखने में जरूर मज़ा आएगा क्योंकि गुड़ गुड़छट्टी की कहानी कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है दोस्तों लंबे समय के बाद संजय दत्त और रवीना टंडन को दर्शक फिर से रोमांस करते देख सकेंगे इस स्क्रीन पे लेकिन इस बार रोमांस में थोड़ा सा बिले कोई और नहीं बल्कि इनके बच्चे बनेंगे क्योंकि इनके बच्चों का भी आपस में रोमांस यहाँ परवान चल रहा होता है और ऐसे ही जो है उलझी हुई रोमांटिक कॉमेडी लेकर आ गए हैं बिनाय के गांधी जिनके निर्देशन में बनी फिल्म जो यहाँ पे गुड चड्डी नौ अगस्त को जियो सिनेमा पर रिलीज हो चुकी है वो दोस्तों बता दें यहाँ पे बीर शर्मा संजय दत्त के बेटे चिराग शर्मा पार्थ यानी कि समथाना का प्यार मेनका अरविना टंडन की बेटी देविका यानी कि खुशहाली कुमार के साथ जो है परवान चल रहा होता है लेकिन इसी ही दौरान संजय दत्त की मुलाकात रवीना टंडन से होती है और एक अरसे पहले जो है दबे उनके अरमान फिर से झाकना स्टार्ट हो जाता है और उनकी प्रेम कथा शादी तक पहुंचने लग जाती है अब दोस्तों क्या इनके बच्चे इनकी शादी में रोडा बनेंगे या फिर दोनों दोनों अपने बच्चों की शादी में जो है रोड बनेंगे इन सब सवालों के जवाब जो है आपको ये फिल्म देख ही मिलेगी मालूम होगा जो कि फिल्म में दो जो है पीढ़ियों का प्यार को मज़ेदार अंदाज में दिखाया गया है और इस रोमांटिक कहानी में कॉमेडी का भी टर्क आपको देखने को मिल जाता है संजय दत्त ने हमेशा की तरह अच्छी एक्टिंग की है उन्होंने अपने किरदार के साथ पूरा न्याय किया है उनकी फिल्म के अंदर जो शख्सियत का रुआब फिल्म में पूरी तरह से झलकता है जो कि रवीना टंडन फिल्म में एक एक यहाँ पे फ्रेशनेस लेकर आती है और उन पर जो है उम्र का कोई भी प्रभाव नहीं झलकता उन्होंने अपना जो है चुलबुलापन बरकरार रखा है और पार्थ यानी कि समथान ने भी अच्छा अभिनय किया है और अपना शो जो है फीसदी इस फिल्म में दी है इससे पहले भी दोस्तों वह कई जो है टी शो कर चुकी हैं और अब उनकी एक्टिंग में गंभीरता साफ दिखी जा सकती है फिल्म में जो कि दोस्तों यहाँ पे खुशहाली कुमार उनके अलावा खुशहाली कुमार जो है देखने में सुंदर लगती है और उन्होंने अच्छा अभिनय किया है जो कि फ़िल्म में दोस्तों अरुणा ईरानी ने भी काल्याणी देवी का शानदार किरदार इस फिल्म में प्ले किया है वहीं दोस्तों डायरेक्शन के बारे में हम बात कर ले तो विनायके गांधी का निर्देशन काफ़ी सदा हुआ है फिल्म में उन्होंने कहीं भी और कहानी को निराश नहीं पढ़ने दिया है और दर्शक फिल्म देखकर खुश मिजाजी का एहसास भी कर सकते हैं वहीं दोस्तों उन्होंने इस फिल्म के अंदर जो है एक्टर्स का चयन बड़ी जो है सावधानी से की है और अपने इस प्रयास में वह पूरी तरह से सफल हुए हैं फिल्म के तेक्निकी पक्ष में भी दोस्तों फोटोग्राफी स्क्रीन प्ले और फिर एडिटिंग आदि उत्तम दर्जे की रखी गई है जो कि छेप में कहा जा सकता है कि फिल्म में वह सब कुछ एलिमेटेड के तरह तैयार किया गया है जो कि इसे एक पारिवारिक रोमांटिक कॉमेडी बनाता है वहीं दोस्तों फिल्म में संगीत यानी कि तनिक्ष बागची का रखा गया है क्योंकि फिल्म के अंदर जो है सुखवीर ने सुखवीर ने दिया है और यहाँ पे गीत भी जो है तनिक्ष बागची और फिर जो है सुखवीर के ही है फिल्म का संगीत मधुर है और इसके गाने जो है चार्ट बास्टर पर धूम मचा रहे हैं फिल्म में दो गाने हैं और दोनों ही पंजाबी भाषा में ही बनाया गया है दिल वजदा और फिर पंजाबी मुंडे पौन यानी कि भंगडा दोनों ही गाने जो है मज़ेदार है आपको देखने में ये गाने अच्छे ज़रूर लग सकते हैं तो दोस्तों गुड़ छड्डी एक अच्छी प्रेम कहानी वाली फिल्म है जो कि आपको एक बार ज़रूर देखना चाहिए आइए दोस्तों अब बात करते हैं फिल्म में नज़र आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में कि इस फिल्म में मुख्य स्टार कास्ट को कितने रुपए दिए गए हैं फिल्म में अभिनय करने के लिए ताकि दोस्तों आप लोग को भी पता चल जाए कि गुड़ छड्डी फ़िल्म की कहानी में क्या परफॉर्मेंस है क्या दम है संजय दत्त इसमें नज़र आए हैं रवीना टंडन उनके अलावा दोस्तों पार्थ समथान उनके अलावा खुशहाली कुमार फिल्म में अभिनय किए हैं तो आइए दोस्तों हम बात करते हैं रवीना टंडन के बारे में सबसे पहले जिन्होंने इस फिल्म में एक बार फिर से अभिनय करके अपनी जवानी अपनी हुस्न का जलवा दिखाने की कोशिश की है इनके ऊपर उम्र का कोई भी असर नहीं पड़ा है ऐसा दर्शक का मानना है तो दोस्तों अगर आपको भी लगता है कि हाँ रवीना टंडन आज भी उन्नीस सौ नब्बे के दशक जैसी ही दिखती है फिल्मों में अगर आप इस बात से सहमत हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों सबसे पहले टंडन ने पत्थर के फूल फिल्म उन्नीस सौ इक्यानवे में इस फिल्म में काम करके इन्होंने डेब्यू किया था जो कि दोस्तों हिट रही थी और उन्हें अपने प्रदर्शन के लिए लक्ष्य न्यू फेस ऑफ द ईयर का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला था इस फिल्म के परिणाम स्वरूप उनके फिल्मी करियर में एक बड़ी सफलता मिली और मुख्य रूप से उन्हें जो है रातों रात स्टार के रूप में स्थापित किया गया था वहीं सन में उन्होंने संजय दत्त के साथ जीना मरना तेरे संग में अभिनय किया था और ये फिल्म साल की उनकी एकमात्र रिलीज फिल्म थी और माध्यम सफलता साबित हुई वहीं सन उन्नीस में टोंडोन की सात फिल्में रिलीज हुई जो कि छात्रिया और दिव्या शक्ति जैसे जो है नाटक माध्यम सफलताए फिल्में थी उस वर्ष उन्होंने अपनी तेलुगु सिनेमा की पहली फिल्म जो है बंगारू बुल्लुडू में भी अभिनय किया था जिसे बॉक्स ऑफिस पर हिट के रूप में दर्जा मिला था सन उन्नीस सौ चौरानवे में रवीना टंडन को दस फिल्मों में काम करने का सफलता मिली जिनमें जिनमें से दोस्तों आदिकांश सफल रही और चार फिल्में साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से शामिल थी जैसे दोस्तों मोहरा दिलवाले उसके अलावा आतिश और फिर जो है लाडला इसके अलावा दोस्तों मोहरा फिल्म के गाने जो है तो चीज बड़ी है मस्त मस्त में उनके प्रदर्शन के बाद उन्हें मस्त मस्त गर्ल नाम भी मिल गया था जो कि दोस्तों लाडला ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए फ़िल्मफेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया वहीं उस वर्ष उनकी अन्य रिलीज में सनी देओल सैफ अली खान के साथ थ्रिलर मूवी इम्तिहान मूवी थी जो कि और एक कल्ट कॉमेडी अंदाज अपना अपना में इन्होंने फिर से सलमान खान और फिर आमिर खान के साथ काम की थी जो कि दोस्तों रिलीज होने के बाद बॉक्स ऑफिस पर एक के सेमी हिट रही थी लेकिन दोस्तों एक बड़ी व्यावसायिक सफलता बाद में साबित हुई वही वही दोस्तों वर्ष की उनकी एक और रिलीज मूवी जो है जमाने से क्या डरना यहां पे टिकट जो है खिड़की पर जो है लाभदायक रही और एक माध्यम सफलता के रूप में यह फिल्म उभरी थी सन पंचानवे में रवीना टंडन ने शाहरुख खान के साथ पहली बार जो है जमाना दीवाना में अभिनय किया दोस्तों फिल्म अच्छा प्रदर्शन करने में सफल रही लेकिन खिलाड़ियों का खिलाड़ी उन्नीस और फिर जो है जिद्दी उन्नीस सनी देओल के साथ जैसी हिट फिल्मों के साथ उनका करियर वापस पटरी पर आ गया था जो कि दोस्तों उस साल की ब्लॉक हिट बन गई और सलाखी फिल्म उन्नीस में रिलीज हुई थी जो कि उन्हें जो है गुलामे मुस्तफ़ा में उनके प्रदर्शन के लिए भी प्रशंसाएं दी गई सन उन्नीस में रवीना टंडन ने दो समीक्षकों और व्यवसायिक रूप से सफल प्रस्तुतियों जो है दुल्हे राजा और बड़े मियां छोटे मियां में इन्होंने काम किया था बड़े मिया छोटे मियाँ में दिखाई देकर एक अग्रणी महिला के रूप में अपनी उपस्थिति को मजबूत किया और दोनों ही साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म में से साबित हुई उस वर्ष की उनकी अंतिम रिलीज मूवी बड़े मिया छोटे जिसमें दोस्तों अमिताभ बच्चन और गोविंदा सह कलाकार थे इनके साथ साल की दूसरी सबसे बड़ी हिट साबित हुई रवीना टंडन को कुछ कुछ होता है में दूसरी लीड की भूमिका पेशकश की गई थी जो कि उन्नीस सौ अंठानबे की सबसे बड़ी हिट रही लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया उस वर्ष दोस्तों बॉलीवुड की अन्य रिलीज मूवी घर वाली बाहर वाली थी जो कि दोस्तों विनाशक द यानी कि डिस्ट्रॉयल और फिर जो है परदेसी बाबू इसके अलावा आंटी नंबर वन फिल्म थी जिनमें से दोस्तों कुछ माध्यम आलोचनात्मक और कुछ व्यवसायिक सफलताएं फिल्म रही थी सन 1999 में रवीना टंडन ने उपेंद्र के साथ उनकी सौ शीर्षक मनोवैज्ञानिक थ्रिलर फिल्म में काम किया दोस्तों उपेंद्र में अभिनय किया जो कि बॉक्स चौबीस पर सफल रही थी जो कि दोस्तों उन्होंने अनारी नंबर वन में भी अभिनय किया जो एक आलोचनात्मक और व्यावसायिक सफलता फिल्म थी वही दोस्तों सोल में उनके प्रदर्शन के लिए उन्हें आलोचकों से भी प्रशंसाएं देखने को मिली थी 2000 के दशक में रवीना टंडन ने अभिनय किया था यथार्थवादी जो है तरीका सीखने के लिए आर्ट हाउस प्रोडक्शंस में कदम रखा और कई मुख्य धारा की फिल्मों के प्रस्ताव को ठुकरा दिए रवीना टंडन ने बुलंदी 2000 के दशक में और अक्ष मूवी 2001 जैसी फिल्मों में काम किया जिसके लिए उन्हें आलोचकों की प्रशंसा मिली उन्होंने राकेश ओम प्रकाश मेहरा की अक्स में अपने अभिनय के लिए फ़िल्मफेयर स्पेशल जो है परफॉर्मेंस के लिए अवार्ड के साथ साथ जो है कई पुरस्कार जीते थे वहीं दोस्तों इंडस्ट्री में उनके कई साल तक कई साल जो है तब यानी कि रंग लाए जब उन्होंने जो है कल्पना कल्पना लाजमी की फिल्म जो है दमन ए दमन ए विक्टम ऑफ द मैरिटल और फिर जो है वायलेंस 2001 में अपने अभिनय के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का प्रतिष्ठित राष्ट्रीय फिल्मफेयर पुरस्कार जीता जिनमें दोस्तों उन्होंने एक अपमानजनक पति की और एक प्रीत जो है पत्नी की भूमिका इस फिल्म के अंदर निभाई थी उन्होंने फिल्में अपने प्रदर्शन से आलोचकों और दर्शकों को चौंका दिया और अपने काम के लिए सराहना प्राप्त की आलोचक आदर्श ने कहा था रवीना टंडन एक ही पीड़ित पत्नी की भूमिका को विश्वास ने प्रदान करवाती है जो कि दोस्तों सम्मान के साथ आगे बढ़ती है वह अपने भावों के माध्यम से जो करुणा व्यक्त करती है उससे आपको एहसास होता है कि वह एक बेहतरीन कलाकार है तब से उन्होंने कई समीक्षकों द्वारा प्रशंसित फिल्मों में अभिनय किया है जैसे कि दो वाली और दोबारा दो वाली लेकिन बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा सफल नहीं मिली ज़्यादा सफलता इस फिल्म को नहीं मिली पूर्वा में राजनीति की दुनिया में धकेल दी गई जो कि माध्यम वर्गीय महिला के रूप में उनकी भूमिका की प्रशंसा की गई थी आलोचक तरन आदर्श ने लिखा है रवीना टंडन ने शानदार प्रदर्शन किया है फिल्म में और अभिनेत्री एक कलाकार के रूप में बड़ी जो है छलांग लगाती है अपने किरदार को सही स्पर्श देती है और ये एक ऐसा प्रदर्शन है जिस पर दोस्तों ध्यान दिया जाना तय होना चाहिए था इसी के साथ दोस्तों दोबारा में एक यहाँ पे सीजो फ्रेनिक के रूप में उनकी भूमिका की भी प्रशंसा की गई एक आलोचक ने कहा रवीना टंडन अपने किरदार के साथ जो है तालमेल बिठाती है अपने हिस्से को पूरे जो है उत्साह के साथ निभाती भी है जो कि सताईस यानी कि रवीना टंडन ने यहाँ पे असहरा वन टेलीविजन श्रृंखला शाही शाही बीबी गुलाम में भी काम किया था उस वक्त वही दोस्तों साल 2006 में उनकी एकमात्र रिलीज मूवी थी जिसका नाम था तो सैंडविच इस फिल्म का नाम सैंडविच रखा गया था जिसे खराब समीक्षा और स्वागत मिला कई फिल्में करने के बाद उन्होंने फिल्मों में सक्रिय रूप से जो है दिखने से ब्रेक ले लिया साल 2014 में उन्होंने महेश भट्ट और फिर जो है राज नायक के साथ जो है सी एन बी सी टी वी पर सीईओ ई एस गो टैलेंट के सीजन वन को जज किया 2015 में उन्होंने लंबे समय के दोस्त अरुणा अरुण अनुराग कैश्यप की महान कीर्ति जो है बम्बे बम्बे वेल वेट से बॉलीवुड में वापसी की जो कि एक कामुक यहाँ पे जैज़ गायिका की भूमिका निभाते हुए उनके संक्षिप्त प्रदर्शन के आलोचकों द्वारा बहुत ज़्यादा प्रशंसा की गई थी 2017 में उन्हें थ्रिलर फिल्म मात्र में देखा गया था जिसमें दोस्तों उन्होंने एक मां की भूमिका निभाई जो कि अपनी बेटी के बलात्कार का बदला लेना चाहती है और उनके अभिनय की सराहना की गई उस वक्त और उन्हें अपने प्रदर्शन के लिए आलोचकों की प्रशंसा मिली थी लेकिन वर्ष की उनकी अगली रिलीज मूवी जो है ओनिर की शार्प फिल्म थी जिसमें उन्होंने एक सोशल लाइट एक सोशल एक सोशल लाइट की भूमिका फिल्म में निभाई थी इसी के साथ दोस्तों दो में रवीना टंडन ने नेटफ्लिक्स क्राइम थ्रिलर जो है वेब सीरीज यानी कि अरनायक के साथ अपना ओ डेब्यू किया और अपने प्रदर्शन के लिए सकारात्मक समीक्षा इन्होंने प्राप्त की थी उस वक्त 2022 में भी रवीना टंडन ने के जी अध्याय टू में एक महत्वपूर्ण भूमिका में दिखाई दी जो कि अब तक की तीसरी सबसे अधिक कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है रवीना टंडन संजय दत्त के साथ विनायक गांधी की रोमांटिक कॉमेडी जो है फिल्म गुड छडी में दिखाई दी है जो कि दोस्तों इस फिल्म को दो में रिलीज किया गया है जियो पर रवीना टंडन 2003 से भारतीय बाल फिल्म सोसाइटी की अध्यक्ष थी लेकिन 2004 हज़ार चार से अभिनेत्री को शिकायतें मिलने लगी कि वह जो संगठन की बैठकों में शामिल नहीं होती है और वह सोसाइटी द्वारा जो स्थापित जो गतिविधियों में शामिल नहीं हो पाती है सितंबर 2005 में रवीना टंडन ने जो है व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया नवंबर 2005 में रवीना टंडन ने शादी जो है शादी डॉट कॉम और फिर जो है यानी कि शादी टाइम्स डॉट कॉम वेबसाइट पर जो है मुकदमा दायर किया जिसमें दावा किया गया था कि वह जो है साइट को बढ़ावा देने के लिए उनकी अंधेटी उनकी अनधिकृत जो है तस्वीरों का इस्तेमाल कर रहे थे और उन्होंने सत्यनेट यानी कि सत्यनयन के सल्यून्स के मालिक पर भी मुकदमा दायर किया था क्योंकि उन्होंने दावा किया था कि रवीना टंडन और उनके पति की मुलाकात वेबसाइट के जरिए हुई थी उन्होंने बताया था ये झूठी बातें रही थी और ऐसी बातें फैलाई जा रही थी नवंबर 2002 में रवीना टंडन ने पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ यानी कि एनी मल्स का समर्थन करने के लिए गाना गाया था और उन्होंने जॉन अब्राहम शिल्पा शेट्टी और अमीषा पटेल जैसे जो है लोगों के साथ कई विज्ञापन अभि कई विज्ञापन अभियानों में काम किया है और गायों की खाल के लिए वध किए जाने के मुद्दे पर उन्होंने कहा था कि भ्रष्ट खाल और फिर जो है मांस व्यापारियों के हाथों उनका दुरुप्रयोग जो है रोका जाना चाहिए इस तरह से 2023 में रवीना टंडन जो है मनोरंजन जो उद्योग से पहली जो व्यक्तित्व बनी जिन्हें दोस्तों जी ट्वेंटी नई दिल्ली शिखर यानी कि इसके अलावा जो है सम्मेलन में महिला जो है शक्तिशाली शक्तिकरण जो है स्वाभाविक विंग दो में एक प्रतिनिधि के रूप में इनको चुना गया था रवीना टंडन ने उन्नीस में सिंगल मदर के तौर पर पूजा और छाया नामक दो लड़कियों को गोद लिया था जब वह जो है क्रोमस 11 और 8 साल की थी तभी इन्होंने गोद ले लिया था नब्बे के दशक के आखिर में रवीना टंडन अभिनेता अक्षय कुमार को डेट कर रही थी और उन्होंने उन्हें अपना बॉयफ्रेंड घोषित कर दिया था हालांकि उनकी सगाई हो चुकी थी लेकिन बाद में अलग हो गए रवीना टंडन ने अपनी फिल्म इस फिल्म जो यानी कि सितंबर दो हज़ार के निर्माण के दौरान फिल्म जो है बीतर के अनिल थडानी को डेट करना शुरू किया और नवंबर दो में उनकी सगाई की घोषणा की गई और उन्होंने बाईस फरवरी दो को जग मंदिर पैलेस पर जाकर शादी कर ली तो दोस्तों यह है इनकी फिल्मी करियर लाइफ जो कि मैंने इसी वीडियो में एक ही साथ इस मूवीज़ को रिव्यू करते हुए कुछ छठी फिल्म को रिव्यू करते हुए मैंने आपको बता दिया तो दोस्तों अगर आप लोग को आज का रिव्यू पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस यूट्यूब चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आप लोगों से एक और नई वीडियो में तब तक के लिए टिल एंड सून हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ए के मोई फेक्ट पर दोस्तों आप सब कैसे हैं उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस मूवी के रिगार्डिंग बात करने वाले हैं उस फिल्म का नाम है गुड छडी तो दोस्तों ये फिल्म कौन सी है और आपको कहाँ पर हिंदी भाषा में देखने को मिलेगा इसकी पूरी जानकारी आज के इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं और साथ ही साथ दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इस मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के बारे में जी हाँ दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गुड छड्डी फिल्म को बनाने में कितना रुपया चुआ है इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म ने अभी तक कितनी कमाई कर ली है बॉक्स ऑफिस पर इसकी भी जानकारी इस इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं साथ साथ ही दोस्तों इस फिल्म की कहानी कैसी है और इस फिल्म को देखना चाहिए या फिर नहीं देखना चाहिए इसकी भी जानकारी इस वीडियो में हम आपको देंगे तो दोस्तों अगर आप लोग संजय दत्त के फैन हो और गुड छड्डी फिल्म को यूरोप पर हिंदी में देखना चाहते हो तो आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होने वाला है तो चलिए दोस्तों बिना किसी देर के आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं तो दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल, तो चैनल को, कर साथ ही साथ को प्रेस कर फिल्म के बारे में दोस्तों ये फिल्म साल दो हजार चौबीस में रिलीज हुई भारतीय हिंदी भाषा की रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म है जो विनय गांधी द्वारा निर्देशित किया गया है और इसी के साथ इस फिल्म को दीपक कपूर भारद्वाज द्वारा लिखित किया गया है वहीं दोस्तों फिल्म में नजर आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में हम बात करें तो दोस्तों फिल्म में अरुणा ईरानी संजय दत्त उनके अलावा रवीना टंडन उनके अलावा खुशाली कुमार फिल्म में अभिनय करते हुए दिखाई दी है वही दोस्तों बात की जाए गुड फिल्म के रिलीज डेट तो को नौ अगस्त दो हजार चौबीस को रिलीज किया गया है वही इस फिल्म की रोन टाइम के बारे में हम बात करें तो ये फिल्म एक मिनट की बनाई गई है वही दोस्तों बता दें इस फिल्म का उत्पादन जो है फिल्म की घोषणा फरवरी दो के माध्यम में की गई थी और मुख्य फोटोग्राफी तेईस दो 2022 को शुरू हुई जहां पे फिल्मांकन गुरुग्राम नई दिल्ली और में इसका हुआ है। फिल्मांकन 2022 में समाप्त हो चुका था के तरफ से वर्मा ने इस फिल्म को पाँच में से सिर्फ फाइव स्टार दिया है उसके अलावा दोस्तों ओडिटी प्लेटफॉर्म के तरफ से निराली कानबार ने फिल्म को फाइव में से टू स्टार दिया है इनके अलावा की तरफ से धवल राय ने भी फिल्म को फाइव में से टू वन फाइव स्टार दिया है लेकिन दोस्तों अगर आप लोग आप लोग इस फिल्म को देख चुके हो तो आप इस मूवी को कितना रिव्यू रेटिंग देना चाहते हो आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों आप लोग को बताया है हमारे YouTube चैनल पे आपको सिर्फ मूवी रिव्यू मूवी की बजट एंड बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट ही देखने को मिलता है इस वीडियो में हम कुछ छठी फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं तो दोस्तों फिल्म की कहानी कैसी है क्या फिल्म को देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए ये ये सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हुए हैं तो इस वीडियो में आप लोग विस्तार से एंड तक ज़रूर बन रहिएगा क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम एक एक चीज के बारे में बताएंगे फिल्म को कहाँ पर शूट किया गया है कौन से स्टार कास्ट को कितना रुपया दिया गया इस फिल्म में काम करने के लिए इसकी भी जानकारी इस वीडियो में हम आपको डेफिनेटली देने वाले हैं तो अगर बात करें फिल्म 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 की कहानी के बारे में में तो दोस्तों दिखाया गया फिल्म दो प्रेम कहानियों के इर्द गिर्द घूमती है एक युवा जोड़े के बीच और फिर दूसरी उनके संबंधित जो है विधवा माता पिता जो कि पूर्व प्रेमी भी है और शादी के बंधन में बंधने का सपना देख रहे हैं हालांकि परिवार की रोधीवादी जो है महिला दोनों जोड़ों के अंतर जो है सामुदायिक और फिर संबंधों और फिर सौतेले भाई बहनों के पति पत्नी के रूप में होने की संभावना के खिलाफ क्या जोड़े एक सुखद अंत पाएंगे या नहीं ये बाकी कहानी में देखने को मिलेगा समीक्षक ने बताया है कि निर्देशक विनायक के बिनाय के गांधी की फिल्म एक रोमांटिक ड्रामा प्रेम कहानियों और फिर पारिवारिक जो है गतिशीलताओं को जोड़ती है जो एक परिचित क्षेत्र को दर्शाती है ये फिल्म कहानी और चरित्र चीत से लेकर यहाँ पे संघर्ष और फिर जो है समाधान तक के कथा अनुमानित रहती है वहीं दोस्तों बता दें चिराग पार्थ उनके अलावा समथान और फिर उसकी प्रेम उसकी प्रेमिका देविका खुशाली कुमार के साथ जो है संबंधित माता पिता और फिर कर्नल जो है बीर शर्मा संजय दत्त इस किरदार को प्ले किए हैं वहीं दोस्तों फिल्म के मुख्य संघर्ष के बारे में बात की जाए तो मुख्य संघर्ष अंतर यहाँ पे समुदाय रोमांस और फिर जो है अपरम्परागत पारिवारिक गतिशीलता और इसके अलावा जो सुविधाजनक जो है कथानक मोड़ के माध्यम से ही हल किए गए हैं जो दूर की यहाँ पे कौड़ी लगाया जाता है जब वीर यहाँ पे मेनका को अपनी होने वाली पत्नी के रूप में घर लेकर आता है तो उससे परेशान होकर उसकी रोधिवादी माँ यहाँ पे काल्याणी देवी यानी कि अरुणा ईरानी एक रिश्तेदार के साथ रहने के लिए घर छोड़ देती है यहाँ दोस्तों वृद्ध महिला के साथ उसके जो है बेटे द्वारा दुर्व्यवहार किए जाने से दुर्व्यवहार किए जाने या फिर जो वरिष्ठ यहाँ पे नागरिकों के एक समूह द्वारा जो है पार्थ को ये बताने के उदाहरण किए जो है यहाँ पे यह बुढ़ापे में कितना जो अकेलापन होता है ये कहानी में सहज रूप से शामिल नहीं किया गया है जो कि दोस्तों फिल्म सामाजिक और फिर जो है मानदंडों से प्रेम और फिर जो है प्रेरित प्रेम जो है जैसा है क्योंकि यहाँ पे प्रगतिशील विचारों को तलाशने का भी यहाँ पे प्रयास किया गया है लेकिन दोस्तों दृष्टिकोण रोधी रोधियों रूधी पर निर्भर करता है जिससे दोस्तों प्रभाव कम हो जाता है इस फिल्म का वहीं दोस्तों आगे कहानी में विनाय के गांधी इसमें पहली बार जो है फीचर फिल्म निर्देशक के रूप में उम्मीद जगाए हैं लोगों में तो फिल्म अधिकांश भाग में एक समान गति से आगे बढ़ती है हालांकि उनके निर्देशकों ने अधिक जो है आकर्षक कहानी और फिर अधिक सघन अधिक सूक्ष्म और इसके अलावा पदकथा और स्क्रीन प्ले से लाभ मिल सकता था उनको और भी ज़्यादा अगर और थोड़ा सा मेहनत किया गया होता फिल्म की कहानी के ऊपर तो खुशाली कुमार और फिर पार्थिव समधाना का अभिनय ठीक ठाक है फिल्म में हालांकि दोनों के बीच एक स्वाभाविक केमिस्ट्री भी है रवीना टंडन और फिर संजय दत्त ने सराहनीय अभिनय किया है जबकि अरुणा ईरानी का एक प्यार करने वाले लेकिन यहाँ पे सख्त यहाँ पे आपको बता दें सख्त यहाँ पे मात्र सत्तात्मक महिला का चित्रण जो है यहाँ पर आतिश व्यक्तिपूर्ण लगता है हालांकि देखने में अच्छी है लेकिन यहाँ पे गुड छड चड़, गुड छड्डी एक मनोरंजन फिल्म के रूप में कमजोर है जो कहानी पूर्वानुमानित मोर के साथ सामने आती है फिल्म की जो दर्शकों को मजबूत भावनात्मक संबंध बनाने से रोकती है और ये फिल्म शायद दर्शकों को कुछ नया या फिर जो है मार्मिक तलाशने मार्मिक जो है तलाशने के लिए प्रेरित भी करती है तो इस तरह का रिव्यूअर्स ने रिव्यू दिया है अगर आप लोग गुड गुड छठी फिल्म को देख चुके हैं पहले ही तो आप इस फिल्म को कितना रिव्यू रेटिंग देना चाहते हो आप अपना राय मुझे नीचे कॉमेंट करके बता सकते हो दोस्तों आप लोग को पता है जितने भी लोग मुझे कमेंट करके कोई भी चीज़ पूछते हैं तो मैं उनका जवाब डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में जाकर देता हूं तो आप लोग कमेंट करना मत भूलिएगा क्योंकि आप लोग को पता है मैं हर चीज़ आप लोगों को कमेंट में बता सकता हूं जो भी आप लोग पूछते हैं उसका जवाब मैं सीधे कमेंट पर ही दे देता हूं तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं गुड छट्डी फिल्म के बारे में जो कि एक अच्छी प्रेम कहानी वाली फिल्म है जिसमें रवीना टंडन और संजय दत्त ने अभिनय किया है तो दोस्तों ये फिल्म एक प्रेम कहानी के ऊपर बेस्ड है लेकिन फिल्म की कहानी में काफ़ी ज़्यादा उथल पुथल होती है एक विधवा मां बाप जो दोबारा से शादी करना चाहते हैं संजय दत्त और रवीना टंडन की प्रेम कहानी को इस फिल्म के अंदर दर्शाया गया है वाकई ये चीज़ पुरानी तो है लेकिन आपको देखने में ज़रूर मज़ा आएगा क्योंकि गुड़छट्टी की कहानी कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया है दोस्तों लंबे समय के बाद संजय दत्त और रवीना टंडन को दर्शक फिर से रोमांस करते देख सकेंगे इस स्क्रीन पे लेकिन इस बार रोमांस में थोड़ा सा विलेन कोई और नहीं बल्कि इनके बच्चे बनेंगे क्योंकि इनके बच्चों का भी आपस में रोमांस यहाँ परवान चल रहा होता है और ऐसे ही जो है उलझी हुई रोमांटिक कॉमेडी लेकर आ गए हैं विनायके गांधी जिनके निर्देशन में बनी फिल्म जो यहाँ पे गुड चड्डी नौ अगस्त को जियो सिनेमा पर रिलीज हो चुकी है वो दोस्तों बता दें यहाँ पे बीर शर्मा संजय दत्त के बेटे चिराग शर्मा पार्थ यानी कि समथाना का प्यार मेन का अरवीना टंडन की बेटी देविका यानी कि खुशहाली कुमार के साथ जो है परवान चल रहा होता है लेकिन इसी ही दौरान संजय दत्त की मुलाकात रवीना टंडन से होती है और एक अर्से पहले जो है दबे उनके अरमान फिर से जागना स्टार्ट हो जाता है और उनकी प्रेम कथा शादी तक पहुंचने लग जाती है अब दोस्तों क्या है? इनके बच्चे इनकी शादी में रोडा बनेंगे या फिर दोनों दोनों अपने बच्चों की शादी में जो है रोड बनेंगे इन सब सवालों के जवाब जो है आपको ये फिल्म देख ही मिलेगी मालूम होगा जो कि फिल्म में दो जो है पीढ़ियों का प्यार को मज़ेदार अंदाज में दिखाया गया है और इस रोमांटिक कहानी में कॉमेडी का भी टर्क़ा आपको देखने को मिल जाता है संजय दत्त ने हमेशा की तरह अच्छी एक्टिंग की है उन्होंने अपने किरदार के, के साथ पूरा न्याय किया है उनकी फिल्म के अंदर जो है शख्सियत का रुआब फिल्म में पूरी तरह से झलकता है जो कि रवीना टंडन फिल्म में एक एक यहाँ पे फ्रेशनेस लेकर आती है और उन पर जो है उम्र का कोई भी प्रभाव नहीं झलकता उन्होंने अपना जो है चुलबुलापन बरकरार रखा है और पार्थ यानी कि समथान ने भी अच्छा अभिनय किया है और अपना शो जो है फीसदी इस फिल्म में दी है इससे पहले भी दोस्तों वह कई जो है टी शो कर चुकी है और अब उनकी एक्टिंग में गंभीरता साफ दिखी जा सकती है फिल्म में जो कि दोस्तों यहाँ पे खुशहाली कुमार उनके अलावा खुशहाली कुमार जो है देखने में सुंदर लगती है और उन्होंने अच्छा अभिनय किया है जो कि फिल्म में दोस्तों अरुणा ईरानी ने भी कल्याणी देवी का शानदार किरदार इस फिल्म में प्ले किया है वहीं दोस्तों डायरेक्शन के बारे में हम बात कर ले तो विनायक गांधी का निर्देशन काफ़ी सदा हुआ है फिल्म में उन्होंने कहीं भी और कहानी को निराश नहीं पढ़ने दिया है और दर्शक फिल्म देखकर कर खुश मिजाजी का एहसास भी कर सकते हैं वहीं दोस्तों उन्होंने इस फिल्म के अंदर जो है एक्टर्स का चयन बड़ी जो है सावधानी से की है और अपने इस प्रयास में वह पूरी तरह से सफल हुए हैं फिल्म के तकनीकी पक्ष में भी दोस्तों फोटोग्राफी स्क्रीन प्ले और फिर एडिटिंग आदि उत्तम दर्जे की रखी गई है जो कि संच में कहा जा सकता है कि फिल्म में वह सब कुछ एलिमेटेड के तरह तैयार किया गया है जो कि इसे एक पारिवारिक रोमांटिक कॉमेडी बनाता है वहीं दोस्तों फिल्म में संगीत यानी कि तनिक्ष बागची का रखा गया है क्योंकि फिल्म के अंदर जो है सुखवीर ने सुखवीर ने दिया है और यहाँ पे गीत भी जो है तनिक्ष बागची और फिर जो है सुखवीर के ही है फिल्म का संगीत मधुर है और इसके गाने जो है चार्टास्टर पर धूम मचा रहे हैं फिल्म में दो गाने हैं और दोनों ही पंजाबी भाषा में ही बनाया गया है दिल वजदा और फिर पंजाबी मुंडे पौन यानी कि भंगड़ा दोनों ही गाने जो है मज़ेदार है आपको देखने में ये गाने अच्छे ज़रूर लग सकते हैं तो दोस्तों गुड़ गुड़छड्डी एक अच्छी प्रेम कहानी वाली फिल्म है जो कि आपको एक बार जरूर देखना चाहिए आइए दोस्तों अब बात करते हैं फिल्म नज़र आने वाले मुख्य स्टार कास्ट के बारे में कि इस फिल्म में मुख्य स्टार कास्ट को कितने रुपये दिए गए हैं फिल्म में अभिनय करने के लिए ताकि दोस्तों आप लोग को भी पता चल जाए कि गुड़ छड्डी फिल्म की कहानी में क्या परफॉर्मेंस है क्या दम है संजय दत्त इसमें नज़र आए हैं रवीना टंडन उनके अलावा दोस्तों पार्थ समथान उनके अलावा खुशहाली कुमार फिल्म में अभिनय किए हैं तो आइए दोस्तों हम बात करते हैं रवीना टंडन के बारे में सबसे पहले जिन्होंने इस फिल्म में एक बार फिर से अभिनय करके अपनी जवानी अपने हुस्न का जलवा दिखाने की कोशिश की है इनके ऊपर उम्र का कोई भी असर नहीं पड़ा है ऐसा दर्शक का मानना है तो दोस्तों अगर आपको भी लगता है कि हाँ रवीना टंडन आज भी उन्नीस सौ नब्बे के दशक जैसी ही दिखती है फिल्मों में अगर आप इस बात से सहमत हो तो आप मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों सबसे पहले टोंडन ने पत्थर के फूल फिल्म उन्नीस सौ इक्यानवे में इस फिल्म में काम करके इन्होंने डेब्यू किया था जो कि दोस्तों हिट रही थी और उन्हें अपने प्रदर्शन के लिए लक्ष्य न्यू फेस ऑफ द ईयर का फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिला था इस फिल्म के परिणाम स्वरूप उनके फिल्मी करियर में एक बड़ी सफलता मिली और मुख्य रूप से उन्हें जो है रातों रात स्टार के रूप में स्थापित किया गया था वहीं सन उन्नीस साथ जीना मरना तेरे संग में अभिनय किया था और ये फिल्म साल की उनकी एकमात्र रिलीज फिल्म थी और माध्यम सफलता साबित हुई वहीं सन उन्नीस में टोंडोन डॉन की सात फिल्में रिलीज हुई जो कि छात्रिया और दिव्या शक्ति जैसे जो है नाटक माध्यम सफलताए फिल्में थी उस वर्ष उन्होंने अपनी तेलुगु की पहली फिल्म जो है बंगारू बुल्लुडू में भी अभिनय किया था जिसे बॉक्स ऑफिस पर हिट के रूप में दर्जा मिला था सन उन्नीस सौ चौरानवे में रवीना टंडन को दस फिल्मों में काम करने का सफलता मिली जिनमें जिनमें से दोस्तों आदिकांश सफल रही और चार फिल्में साल की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से शामिल थी जैसे दोस्तों मोहरा दिलवाले उसके अलावा आतिश और फिर जो है लाडला इसके अलावा दोस्तों मोहरा फिल्म के गाने जो है तू चीज बड़ी है मस्त मस्त में उनके प्रदर्शन के बाद उन्हें मस्त मस्त गर्ल नाम भी मिल गया था जो कि दोस्तों लाडला ने उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री के लिए फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया वहीं उस वर्ष उनकी अन्य रिलीज में सनी देओल सैफ अली खान के साथ थ्रिलर मूवी इम्तिहान मूवी थी जो कि और एक काल्ट कॉमेडी अंदाज अपना अपना में इन्होंने फिर से सलमान खान और फिर आमिर खान के साथ काम की थी जो कि दोस्तों रिलीज होने के बाद बॉक्स ऑफिस पर एक के सेमी हिट रही थी लेकिन दोस्तों एक बड़ी व्यवसायिक सफलता बाद में साबित हुई वही वही दोस्तों वर्ष की उनकी एक और रिलीज मूवी जो है जमाने से क्या डरना यहाँ पे टिकट जो है खिड़की पर जो है लाभदायक रही और एक माध्यम सफलता के रूप में यह फिल्म उभरी थी सन पंचानवे में रवीना टंडन ने शाहरुख खान के साथ पहली बार जो है जमाना दीवाना में अभिनय किया दोस्तों फिल्म अच्छा प्रदर्शन करने में सफल रही लेकिन खिलाड़ियों का खिलाड़ी उन्नीस और फिर जो है जिद्दी उन्नीस सनी देउल के साथ जैसी हिट फिल्मों के साथ उनका करियर वापस पटरी पर आ गया था जो कि दोस्तों उस साल की ब्लॉकबस्टर हिट बन गई और सलाखे फिल्म उन्नीस में रिलीज हुई थी जो कि उन्हें जो है गुलाम मुस्तफ़ा में उनके प्रदर्शन के लिए भी प्रशंसाएं दी गई सन उन्नीस में रवीना टंडन ने दो समीक्षकों और व्यावसायिक रूप से सफल प्रस्तुतियों जो है दुल्हे राजा और बड़े मियाँ छोटे मियाँ में इन, इन्होंने काम किया था बड़े मिया छोटे मियाँ में दिखाई देकर एक अग्रणी महिला के रूप में अपनी उपस्थिति को मजबूत किया और दोनों ही साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म में से साबित हुई उस वर्ष की उनकी अंतिम रिलीज मूवी बड़े मियाँ छोटे मियाँ जिसमें दोस्तों अमिताभ बच्चन और गोविंदा सह कलाकार थे इनके साथ साल की दूसरी सबसे बड़ी हिट साबित हुई रवीना टंडन को कुछ कुछ होता है में दूसरी लीड की भूमिका पेशकश की गई थी जो कि उन्नीस की सबसे बड़ी हिट रही लेकिन उन उन्होंने इसे ठुकरा दिया उस वर्ष दोस्तों